A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DTIDT for CA Final and CA Inter GST. अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट, फिर से मैं मेरे हिसाब से मेरे फ्लो के हिसाब से आपको करवाऊंगी. दिस नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. दिस चैप्टर दैट इज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट इज रेलिवेंट फॉर CA Final एज वेल एज CA Inter. मैंने पूरा की पूरा मैच कर लिया है. CA Final CA Inter में सब कुछ सेम है. एक जगह सिर्फ एक पैरा फार्माक्यूटिकल कंपनी के लिए जो एक्सप्लेनेशन है दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर CA Inter. आपको वो ये स्किप करना होगा यहाँ पे और इसके अलावा कुछ भी नहीं. सो एवरीथिंग वुड बी सेम और वो एंड में ही है, बिल्कुल एंड में जहाँ मैं बोल दूंगी CA Inter वालों को इस क्लैरिफिकेशन को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बस उसको मत देखना. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट के साथ. पहले इसे स्टार्ट करें. इसे स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं. चलो एक हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले नोट खोल लेते हैं. अब जो मैं आपको समझा रही हूं उसको थोड़ा सा व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू यू नो गिव यू द थिंग्स उसको ग्रेस्प करते जाना. देखो एक होता है टैक्स इनवॉइस. देखो मैं कंटेक्स्ट नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि कंटेक्स्ट पढ़ने का मतलब है सिर्फ पढ़ पढ़ के बता दिया ऐसी चीज होती वैसी चीज होती, वो चीजें फ्लो में नहीं जाती. हम जैसे आज तक करते आ रहे वैसे ही करेंगे इस चैप्टर को भी. एक होता है टैक्स इनवॉइस, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई, एक होता है डिलीवरी चालान. ठीक है, एक होता है टैक्स इनवॉइस, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई, एक होता है आपका डिलीवरी चालान. ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें और होती है. टैक्स इनवॉइस के साथ एक होता है रिवाइज्ड इनवॉइस. आपका क्या रहता है, एक रिवाइज्ड इनवॉइस और एक नया कॉन्सेप्ट है आपका जो ऑल्दो बहुत नया नहीं है दैट इज ई इनवॉइस. ये कुछ चीजें देके रखी हुई हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है. और भी कुछ चीजें हैं इस टॉपिक में बट जो समझना है वो फ्लो कैसा है. देखो अगर आप एक पर्सन हो हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर क्या कर रहा है, इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, और एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन करता है सप्लाई. तो एक रजिस्टर्ड पर्सन मैम किन चीजों का सप्लाई कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम चीजों का सप्लाई भी कर सकता है, टैक्सेबल चीजों का सप्लाई भी कर सकता है, और एक साथ हो सकता है कस्टमर आए वो एग्जेम एज वेल एज टैक्सेबल दोनों चीजें लेके जाएगा, तो सप्लाई वो एग्जेम प्लस टैक्सेबल दोनों चीजों का भी कर सकता है. जब वो स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है, व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन डज द टैक्सेबल सप्लाई इन दैट केस टैक्स चार्ज करेगा रजिस्टर्ड पर्सन. व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डूइंग द टैक्सेबल सप्लाई दैट मींस द पर्सन विल बी चार्जिंग टैक्स फ्रॉम यू. तो टैक्स चार्ज करना है तो इस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या इशू करना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है. अब जब ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो ऑब्वियसली बताओ ना क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है भाई कि तुम लायक हो, तुम जीएसटी चार्ज करने के लायक हो, प्रूफ करो हमको सप्लायर. तो सप्लायर क्या करता है, अपने इनवॉइस में खुद का GSTIN नंबर क्या करता है, डिस्प्ले करता है. वो जरूरी है कि भाई ये हूं मैं सप्लायर, ये है मेरा GSTIN नंबर, यही तो प्रूफ है कि आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड आई एम Eligible to charge GST from you. क्योंकि एक जो registered person नहीं है, अगर कोई person है वो क्या है, अगर registered person नहीं है मतलब वो unregistered person है, तो unregistered person क्या issue करता है, unregistered person issue करता है bill of supply. या फिर एक registered person अगर exempt supply कर रहा है जिसमें GST charge नहीं होगा, In which the GST would not be charged, तब वो person क्या issue करेगा, तब वो person issue करेगा bill of supply. तो that means when there is no tax, there is no question of GST. That means when there is no question of GST, in that case bill of supply will be issued. या फिर अगर unregistered person है तो bill of supply issue करेगा. या फिर अगर मैं कहूँ
थोड़ा सा रुकती हूँ, थोड़ा सा रुकती हूँ, फिर वो वाली बात करेंगे। तो हाँ, हम थे मैम कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है, तब मैम आप क्या बोलते हो कि टैक्स इनवॉइस इशू होगा। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन टोटली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, सपोज कोई पर्सन आया, कोई कस्टमर आया और वो कस्टमर लेके जा रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, तो बट ऑब्वियस अब बिल ऑफ सप्लाई विल बी इशूड, क्योंकि तब टैक्स इनवॉइस इशू हो भी नहीं सकता है। अब जब मैम ये टैक्स चार्ज करेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन जब क्या करेगा, टैक्स चार्ज करेगा, तो ऑब्वियसली खुद का जीएसटीएन नंबर मतलब सप्लायर का जीएसटीएन नंबर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करेगा, किसका जीएसटी ले रहा है भाई, सामने वाला कौन है जिसका जीएसटी ले रहा है, क्योंकि इसे GSTR 1 में क्या करना होगा, जब ये खुद अपना GSTR 3 भी फाइल करेगा, GSTR 1 फाइल करेगा, स्टेटमेंट फाइल करेगा, इसे लिखना पड़ेगा ना, ये है वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका जीएसटी मैंने कलेक्ट किया था और गवर्नमेंट को उसी का जीएसटी दे के आ रहा हूं, ताकि गवर्नमेंट उस पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC क्रेडिट कर पाए। तो इसका मतलब GSTN नंबर रिसिपिएंट का भी तो होना चाहिए। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपको ये भी बताना पड़ेगा अब ये टैक्स डिसाइड कैसे होगा, IGST लिया है, CGST लिया, तो आप ये भी तो बताओ कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, फिर टैक्स का अमाउंट तो बताओ कि टैक्स अमाउंट क्या है, और टैक्स अमाउंट निकलता है जब आप बताते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे एक रेट लगाते हो, उस रेट के बाद क्या निकलता है, मेरा टैक्स का वैल्यू निकलता है, दैट इज टैक्स अमाउंट निकलता है। अब इस पे यही रेट लगेगा, इन गुड्स पे यही रेट लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, अरे HSN कोड, और HSN कोड पता चलेगा जब तुम दोगे डिस्क्रिप्शन, किस चीज का डिस्क्रिप्शन, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, कहना क्या चाहते हो, ये सारे कंटेंट लिखवाती जा रही हूं मैं जो तुम्हारे टैक्स इनवॉइस में टैक्स कंटेंट आने चाहिए। और बट लॉजिकल यही चीजें तो मिनिमम, बेयर मिनिमम ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए। फिर एक बार सिग्नेचर भी करवा लो, किसकी सिग्नेचर, हमारे सप्लायर की सिग्नेचर भी करवा लो। तो अभी मैं सिर्फ बेस क्रिएट कर रही हूँ कि टैक्स इनवॉइस है, तो टैक्स इनवॉइस एक रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्स चार्ज कर रहा है वही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अब टैक्स इनवॉइस इशू करने का होता है एक टाइम जो दिया है सेक्शन नंबर 31 ने, कि मैक्स टू मैक्स अगर आप सप्लाई करते हो, अगर आप क्या करते हो सप्लाई करते हो, तो मैक्स टू मैक्स कब जीएसटी, कब ऐसा होना चाहिए कि अब तो इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव डन इन टाइम ऑफ सप्लाई, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव डन इन टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 31, ड्यू डेट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस। तो सबसे पहले ये आपको बताएंगे ड्यू डेट क्या है इशू ऑफ इनवॉइस के लिए, फिर ये आपको बताएंगे कि कौन टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। फिर मैम अगर दोनों चीजें साथ में जाए, एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल साथ में जा रही हैं, तो एक रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट चीजों के लिए क्या इशू करेगा, टैक्सेबल चीजों के लिए क्या इशू करेगा, वो समझ में आया। लेकिन अगर दोनों साथ में, एक पर्सन आया कुछ टैक्सेबल लेके जा रहा है, कुछ एग्जेम्प्ट लेके जा रहा है, तब क्या अब इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई करके कोई कॉन्सेप्ट है, तो अभी आगे आएगा यहाँ पे, हो सकता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई करके कोई कॉन्सेप्ट हो, किनको अलाउ है वो कॉन्सेप्ट, वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। फिर कभी कभी आएगा यहाँ पे रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है, फिर आएगा ई इनवॉइस क्या होता है, कि किन लोगों को एप्लीकेबल है ई इनवॉइस, की भैया तुमको तो क्या करना पड़ेगा अब ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी और ये जरूरी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। फिर ऐसे ही किन लोगों को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना, और डिलीवरी करते वक्त अरे तुम किसी गुड्स को डिलीवर कर रहे हो कहीं पे, तो एटलीस्ट डिलीवरी चालान तो बनाओ, दैट इज रूल नंबर 55 जो बताएगा कब कौन कैसे डिलीवरी चालान बनाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक, एंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज अ टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। अब ये जो टैक्स इनवॉइस क्रेडिट डेबिट नोट करके मेरा चैप्टर है, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हैंड रिटन लेके रखा है क्या, सेक्शन नंबर 31, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट इन टाइम ऑफ सप्लाई आल्सो, तो कहीं ना कहीं आपको इसे वापस टाइम ऑफ सप्लाई पे रेफर जरूर करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई देखो क्या होता है, सेक्शन 31 कहता है कि मैम देखो, जब सप्लाई होता है दैट मीन सप्लाई हुआ मतलब टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी हुआ, व्हेन इट इज सप्लाई, सप्लाई मीन्स टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी हैपेंड, और टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी हो गया तो आपको क्या करना होता है, जीएसटी पे करना होता है,
और जीएसटी कब पे करते हो? जब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है तब ये हो जाता है कि बस जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आ गई है। टाइम ऑफ सप्लाई यही बताता है कि जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी हैज कम। बट ये टाइम ऑफ सप्लाई कहता है कि हम कैसे देखेंगे कि एक्चुअल में वो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, तो बोलता है पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मतलब कहीं ना कहीं मुझे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस देखनी पड़ेगी। बट डेट ऑफ, तुम क्या करोगे? तुम नहीं चाहते टैक्स पे करना तो तुम इनवॉइस भी लेट इशू करोगे, बहुत आराम से इनवॉइस इशू करोगे। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं चलेगा कि हम तुम पे छोड़ देंगे कि जब तेरी इच्छा हो तो तब इनवॉइस इशू कर, तब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, फिर तब टैक्स पे करना। नो, सबसे पहले गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 31 में बता के रखा है कि टाइम, ड्यू डेट, मैक्स टू मैक्स अब तो जेल में आना पड़ेगा, इसका मतलब है अब तो इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। तो नाउ इनवॉइस कुड बी इशूड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स, इनवॉइस कुड बी इशूड विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस। इनवॉइस गुड्स के रिस्पेक्ट में भी इशू होता है, इनवॉइस सर्विस के रिस्पेक्ट में भी इशू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिवाइडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स इंटू टू पार्ट। जब गुड्स हैं तो गुड्स का जो सप्लाई होता है एक नॉर्मल सप्लाई भी हो सकता है, अप्रूवल बेसिस पे सप्लाई भी हो सकता है। अब जब मैं गुड्स का सप्लाई करती हूँ, नॉर्मल सप्लाई कैसा है? जैसे तुम जाते हो कहाँ पे, तुम जाते हो मॉल में, मॉल में गए, सामान खरीदा, तुमको गुड्स मिल गए, खत्म, नॉर्मल सप्लाई। अप्रूवल बेसिस का सप्लाई क्या होता है? मैंने सपोज करो आज तुमको क्या किया, हमारे यहाँ डायरी मैन्युफैक्चर करने का काम है, हमारे यहाँ डायरी बनती है। आपने कहा था कुछ अच्छी सी डायरी दिखाओ, मैंने कहा देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह देता है, ऐसा हमारा कवर रहेगा, ये देखो पेजेस की क्वालिटी ऐसी रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हम एक ट्रांसपेरेंट एलिमिनेशन शीट भी आपको दे देंगे, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, लेमिनेशन शीट आपको दे देंगे। तो हमने इनको बोला देखो हम ऐसे आपको 100 पीसेस भेज रहे हैं, क्या करें इस डायरी के आपको कितने पीसेस भेज रहे हैं, हम 100 पीस भेज रहे हैं, पसंद आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो आप क्या करना उसको वापस रिटर्न कर देना। तो आई एम सेंडिंग द गुड्स ऑन अप्रूवल, अच्छे लगे तो वो मेरे को एक्सेप्ट करेगा, अच्छे नहीं लगे वो मुझे वापस दे देगा। तो गुड्स हैव बीन सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स हैव बीन सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो बोलते हैं नॉर्मल केस में कब हो जाना चाहिए इनवॉइस इशू एंड अप्रूवल बेसिस पे इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए। तो नॉर्मल केस में देखो क्या है, उसको अगर मैं छोड़ो अभी अप्रूवल बेसिस पे हो तो बोलेंगे अप्रूवल मतलब सोचने का टाइम दे रहे हैं। कितना टाइम दोगे किसी को सोचने का? 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 6 month, अरे बस यार 6 महीने में सोच लेना चाहिए उसको। तो बोल रहे हैं अप्रूवल बेसिस पे इट वुड बी जिस दिन तुमने रिमूव किए गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन तुम्हारे यहाँ से गुड्स रिमूव हुए थे। आई कैन नॉट राइट सप्लाई वर्ड हियर, क्योंकि मैं सप्लाई नहीं कर रही थी जब मैंने ये डायरीज उनको भेजी, तो इट वॉज फॉर द अप्रूवल बेसिस, इट वॉज नॉट अ सप्लाई। मुझे पता भी नहीं था कि सप्लाई होगा या नहीं होगा। तो डू राइट दिस वर्ड, 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, या तो वो टाइम या फिर जब एक्चुअल में सप्लाई हो गया। मैम एक्चुअल में सप्लाई हो गया मतलब उन्होंने हाँ कर दी कि वाह डायरी बहुत पसंद आई है, हम इसे रखना चाहते हैं, हम खरीद रहे हैं, दैट मीन सप्लाई हैपेंड। तो आइदर 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, इतने में तो इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए आपका। तो दिस इज द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल। देन अगर मैम ये नॉर्मल सप्लाई हो तो नॉर्मल सप्लाई कंटिन्यूस भी हो सकता है एंड अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई भी हो सकता है। नॉर्मल सप्लाई मेरा कंटिन्यूस सप्लाई भी हो सकता है, अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई भी हो सकता है। अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई? मॉल में जाते हो, चीजें खरीदते हो, उसी वक्त मिल जाती है, उसके बाद तुम्हारा और उनका कोई लेना देना नहीं होता। बट कंटिन्यूस सप्लाई मतलब जब मैं उन्हें लॉट में गुड्स देते जा रही हूँ, उन्होंने बल्क ऑर्डर किया है, लॉट में उनको गुड्स जाते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई। तो यहाँ पे बोलते कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या बोलते हैं, देखो अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो कुछ तो अकाउंट स्टेटमेंट होगा, कोई तो सक्सेसिव पेमेंट होगा, कुछ तो हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली गुड्स जा रहे जा रहे जा रहे, या तो अकाउंट स्टेटमेंट तुम इशू करते हो या फिर क्या करते हो सक्सेसिव पेमेंट इशू करते हो। तो बोलते अकाउंट स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट इशू करने से पहले या उस दिन तो कम से कम इनवॉइस इशू कर दो। सो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच स्टेटमेंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वॉट एवर, या तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हो रहा है या फिर जिस दिन तुम क्या कर रहे हो सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट इशू कर रहे हो, या उससे पहले तो भाई इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए, कुछ तो होगा।
बट मैम इफ इट इज नॉट कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस नहीं है तो गुड्स या तो मूव करेंगे या मूव नहीं करेंगे. मतलब कंटिन्यूस नहीं है तो गुड्स का मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नहीं हो सकता है मतलब मॉल में गए, वहीं की वहीं गुड्स मिल गए, मूवमेंट खत्म हो गया गुड्स का. कहीं से कहीं मूव नहीं किए, वहीं की वहीं तुमको दिए गुड्स और बात खत्म हुई. बट मैं यहाँ पे पुणे में हूँ, सपोज मेरी IDT क्वेश्चन बैंक किसी ने परचेस की और वो परचेस करने वाला स्टूडेंट है दिल्ली में, तो मैं कहाँ पे हूँ, आई एम इन पुणे, वो कहाँ पे है, दिल्ली में. मेरे गुड्स का मूवमेंट होगा, माई गुड्स का मूवमेंट विल स्टार्ट, क्योंकि मुझे दिल्ली तक वो गुड्स पहुंचाने होंगे, तो दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो जब आप रिमूव करोगे गुड्स ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूविंग द गुड्स फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए जब आप गुड्स रिमूव करते हो, कम से कम उस दिन या उस दिन से पहले तो यार इनवॉइस इश्यू कर दो. लेकिन मैम मूवमेंट ही नहीं है. तो जब मॉल में तुम डिलीवर कर रहे हो गुड्स, उस वक्त या उससे पहले इनवॉइस इश्यू कर दो. और मैम अगर सपोज करो ये डिलीवरी फ्यूचर डेट की हो, तो फ्यूचर डेट की ऐसे कैसे मुझे चाहिए टाटा नेक्सॉन, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, टाटा नेक्सॉन. अब ये जो टाटा नेक्सॉन है ऐसे तो शोरूम में खड़ी हुई नहीं रहेगी कि गए पैसे दिए और लेके आ गए. आई विल बुक दैट नेक्सॉन, मैं बुक करूंगी. बुक करने के बाद क्या होगा, 2 महीने या फिर 1.5 महीने में वो मुझे डिलीवर होगी एट फ्यूचर डेट. तो जब भी तुम डिलीवरी कर रहे हो, कम से कम उस दिन या उससे पहले तो इनवॉइस इशू कर दो, या फिर मेकिंग द गुड्स अवेलेबल, देखो लिखा ना मेकिंग द गुड्स अवेलेबल या एक्चुअल डिलीवरी जब हो रहा है उस दिन या उससे पहले तो कम से कम इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए. दिस इज अबाउट दी गुड्स. तो गुड्स के लिए 2 चीजें, नॉर्मल बेसिस पे जाता है, अप्रूवल बेसिस पे जाता है, और नॉर्मल बेसिस में कंटिन्यूस होता है, अदर देन कंटिन्यूस होता है. अदर देन कंटिन्यूस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मूवमेंट एंड नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स. अगर अप्रूवल बेसिस है तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर. इफ इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई तो आइदर यू विल इशू अकाउंट स्टेटमेंट, आइदर इट वुड बी अ रिसिप्ट, सक्सेसिव पेमेंट वुड बी रिसीव. तो वट एवर इज द डेट ऑफ एनी ऑफ द अबाव, उस दिन या उससे पहले तो भैया इनवॉइस इशू कर दो. इफ इट इज अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई देन यू वुड बी डूइंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स. और अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स है तो रिमूव करने उससे पहले तो कम से कम कर दो, और मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी और मेकिंग द गुड्स डिलीवर उससे पहले या उस दिन तो कम से कम इनवॉइस इशू कर दो. देन कमिंग टू सर्विस, सर्विस भी कंटिन्यूस हो सकती है, अदर देन कंटिन्यूस हो सकती है. इफ इट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो भाई कंटिन्यूस जब मैं कंटिन्यूस सप्लाई कर रही हूँ, अभी जैसे मेरी सर्विस तो मैं कंटिन्यूस जा रही हूँ डे बाय डे, द वे आई एम प्रोवाइडिंग, द डे आई एम प्रोवाइडिंग यू द वीडियोस, माय सर्विस इज गोइंग टू यू. तो बोलते हैं कोई तो ड्यू डेट रखी होगी तुमने. देखो जब कंटिन्यूस सप्लाई होती है तो हम बोलते हैं ना, देखो हम क्या करें, सपोज करो तुमको कंस्ट्रक्शन करके दे रहे बिल्डिंग का, तो हमने एक डेट रख दी कि हर महीने के 15th को हमको पेमेंट चाहिए, एवरी मंथ 15th को पेमेंट चाहिए. ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है मैंने बोला इवेंट कि जैसे ही 25% कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आई वुड बी रिकॉग्नाइजिंग दिस इवेंट कि ये हुआ है. तो या फिर मतलब या तो आपने कुछ ड्यू डेट डिसाइड करके रखी होगी या कोई इवेंट डिसाइड किया, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो पेमेंट तो कम से कम तुम्हें रिसीव हो रहा होगा ना. जब आप कंटिन्यूस सर्विस करते हो तो या तो कोई ड्यू डेट होगा कि इस दिन पेमेंट दे देना, या कोई इवेंट होगा कि इस दिन पेमेंट दे देना, या फिर क्या होगा, ड्यू डेट नहीं है, इवेंट नहीं है, तो कम से कम पेमेंट तो रिसीव कर रहे हो यार. तो जिस दिन तुम्हें पेमेंट मिला उस दिन या उससे पहले यू हैव टू इश्यू द इनवॉइस. गुड्स के केस में स्टेटमेंट है, पेमेंट है, लेकिन गुड्स के केस में इवेंट नहीं है. तो गुड्स के केस में इवेंट क्या होता है, इवेंट तो तुम जैसे क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो. तो जस्ट मेक दिस थिंग क्लियर, या तो कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विस, सर्विस क्योंकि इंटेंजिबल है तो कुछ तो तुम्हें ट्रिगर पॉइंट रखना पड़ेगा, चाहे वो ड्यू डेट हो, चाहे वो तुम्हारा इवेंट हो, या फिर क्या है पेमेंट हो. राइट नाउ व्हाट इज अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. अगर मैम ये कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, सपोज आपने फैब्रिक दिया एक आंटी को और उनको बोला इस पे एम्ब्रॉयडरी करके दे दो, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके दे दी, सर्विस कंप्लीट खत्म. ओके तो अगर मैम अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो बोलते हैं जैसे ही कंप्लीशन हुआ है, सर्विस का क्या हुआ है, जैसे ही सर्विस कंप्लीट हुई, सर्विस कंप्लीट होने के पहले या तो इनवॉइस इशू कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं. सर्विस कंप्लीट होने के बाद
30 days के अंदर योर इनवॉइस शुड गेट इशूड, बट अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी हो तो 45 days के अंदर योर इनवॉइस शुड गेट इशूड। तो अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है तो कंप्लीशन के पहले या तो क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाएगा, तो वी हैव नो इश्यूज इन दैट। बट इफ आफ्टर कंप्लीशन आइदर इन 30 days द इनवॉइस शुड गेट इशूड, बट इफ यू बिलोंग टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस कंपनी, इन सच अ केस वी हैव गिवन 45 days। अब मैम ये क्या है, ये कुछ नहीं, यही मैंने इसका टाइम ऑफ सप्लाई लिख दिया, ये और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, उन्होंने क्या बताया है आपको सेक्शन नंबर 31 में, सेक्शन नंबर 31 में कि व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब तक इशू हो ही जाना चाहिए, पहले तो ये चीज बता के रखी है। लेकिन यहाँ पे अब एक एक्सेप्शन बोलते हैं, वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आप इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी हो, तो इनको क्या बोला है, इनको एक स्पेसिफिकली इन्होंने छूट दे के रखी है। वो क्या बोला है कि तुम चाहो तो इशू कर सकते हो इनवॉइस, यू कैन इशू द इनवॉइस बिफोर और एट टाइम सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन द बुक्स और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई इज मेड, तुम्हारे ऊपर। या तो जब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में इस सप्लाई को लिखोगे, सप्लायर क्या करेगा, कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है चाहे वो इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी हो इंक्लूडिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जब ये लोग सप्लाई करते तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, तो बोलते तुम चाहो तो तब भी इनवॉइस इशू कर देना। या फिर एक और चीज दे रहे हैं कि जैसे ही वो वाला पर्टिकुलर क्वार्टर, जब तुमने सर्विस दी, सर्विस वाला क्वार्टर एंड हो, तो सर्विस वाला क्वार्टर एंड हो उससे पहले या उस दिन तक क्या कर देना, इनवॉइस इशू कर देना। ये दिया है इंश्योरेंस और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी को टाइम पीरियड। बट मैम अभी तो आप बोल रहे थे कंप्लीशन होने के बाद विद इन 45 days दे हैव टू इशू द इनवॉइस, अब आप बोल रहे हो इनको दो टाइम दे दिए, या तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में सप्लायर रिकॉर्ड करेगा, या फिर क्वार्टर एंड हो उससे पहले या उस दिन तक तो क्या कर दो कम से कम, क्योंकि क्लियर लिखना बिफोर द एक्सपायरी, तो जैसे एक्सपायर हो या फिर जिस दिन एक्सपायर हो रहा है तब तक इनवॉइस इशू कर दो। तो फर्क क्या है, एक तरफ 45 बोल रहे हो और एक तरफ बोल रहे हो ये भी टाइम दिया, तो ये कब दिया है, ये सिर्फ तभी दिया है, पढ़ो यहाँ पे, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट व्हेन दे मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, जब ये इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी सप्लाई ऑफ सर्विस तो कर रही है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, मतलब सेम पेन है बट सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, मतलब अलग अलग स्टेट में क्या है, रजिस्टर्ड है, तो वो होते हैं हमारे डिस्टिंक पर्सन। तो डिस्टिंक पर्सन के बीच में अगर सप्लाई हो रहा है इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी, अगर अदर देन डिस्टिंक है तो देन वी हैव 45 days, बट इफ इट इज द सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक कंपनी देन इन दैट केस यू हैव टू इशू इनवॉइस कभी भी, या तो जब रिकॉर्ड करोगे तब कर लो, और नहीं तो क्वार्टर एंड होने से पहले पहले तो फिर कर ही लेना। So this has been given with respect to invoice. अब मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया था क्या कि जब भी हम टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं तो टैक्स इनवॉइस सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है और कोई नहीं, और ये तो सही है ना, टैक्स इनवॉइस सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर पाएगा और कोई इशू नहीं कर सकता है, वही चीज यहाँ पे मुझे देख के रखी है। फिर क्या बोलते हैं, वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीज बिफोर इट्स कंप्लीशन, कई बार क्या होता है आप जो सर्विस दे रहे हो, जैसे सपोज करो मैं तुम्हें क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की सर्विस दे रही, 25% कंप्लीट हुआ, पर अचानक से उनको ऑर्डर आ गया, जिनके लिए मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर रही थी उनको ऑर्डर आ गया कि अभी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बिकॉज सम ऑफ द परमिशंस आर नॉट येट टेकन बाय यू, एक एग्जांपल। अब उसने बोल दिया आप कंस्ट्रक्ट मत करो, तो उसको भी पता है कि ये जो परमिशन आने में 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, तो मतलब मेरी सर्विस तो सीज हो गई बिफोर कंप्लीशन, कंप्लीशन से पहले ही, यहाँ तो मैम कंप्लीशन हो रहा था बट कंप्लीशन से पहले ही मेरी सर्विसेज सीज कर दी गई, तो जितना तुमने काम किया वहां तक का इनवॉइस इशू कर दो। तो वो बोलते हैं कि इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ द सर्विस सीज बिफोर द कंप्लीशन द इनवॉइस शैल बी इशूड एट टाइम व्हेन सप्लाई सीज and shall be issued to the extent of supply made before cease.
सीजर से पहले जितना सप्लाई किया उसका तो इनवॉइस इशू कर दो, और वो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई सीज हो रहा है, जैसे ही सीज हो रहा है तुम्हें बोल दिया बस अब काम बंद कर दो, तुम खटखट खटखट इनवॉइस इशू करके उसको दे दो। तो दिस इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट, ये क्या दिया है टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट ने, कि एक तो ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है आपकी, और साथ में दिया है कि कंप्लीशन हो जाएगा सर्विस का तब क्या करना है, कंप्लीशन पहले सीज हो रहा है तब कब इनवॉइस इशू होगा, एंड देन इट इज अबाउट टैक्सेबल पर्सन ही, रजिस्टर्ड पर्सन इज द पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन लिखा है यहाँ, लिखा है सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, क्योंकि जब तक पर्सन रजिस्टर्ड नहीं होता ही कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। ठीक है, अब मैम पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए मेरे टैक्स इनवॉइस में, जस्ट द वे आई हैव टोल्ड यू। देखो जनरल जनरल रीजन, नेम एड्रेस जीएसटीएन नंबर ऑफ सप्लायर होना चाहिए, फिर आपका जो इनवॉइस है सीरियल नंबर होना चाहिए, एंड द कैरेक्टर शुड नॉट एक्सीड 16। किस दिन इशू किया, अगर रजिस्टर्ड रिसिपियंट को दे रहे हो तो उसका भी जीएसटीएन नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब अभी हमने ये नहीं किया, इसके लिए अभी हम रुके हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या क्या किया हमने, देखो फिर एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, कितने क्वांटिटी के गुड्स हैं, वैल्यू क्या है, टैक्स की वैल्यू क्या है, रेट क्या है, सेग्रीगेशन करके बताओ आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ कहाँ डिलीवर कर रहे हो, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कितना है, सिग्नेचर बता दो, एंड क्यूआर कोड। क्या मुझे ये रटना है? नहीं, कुछ भी नहीं रटना, बट लॉजिकल है ना, आप जब इनवॉइस बना रहे थे उतनी चीजें तो हमने वैसे ही लिख ली, फिर बता दो डिलीवरी कहाँ होगी गुड्स की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है तो टैक्स पेड अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कितना होगा वो बता दो, तो वॉट एवर, जस्ट एक रीडिंग करनी है यहाँ पे तुम। अब मैं वापस आती हूँ मेरे नोट्स पे। जब मैम यहाँ पे आपने बोला था कि सप्लायर इज प्रोवाइडिंग द सप्लाई, तो खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटीआई नंबर आएगा, बट मैम द पर्सन हु इज परचेसिंग वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है ना, कि रजिस्टर्ड पर्सन मेरा सप्लाई कर रहा है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी क्लेम करने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज दिस इनएलिजिबल टू क्लेम दैट आईटीसी। अब वो आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकता है, इनएलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी। तो ऐसे केस में बोलते हैं अगर आपका जो पर्सन है रजिस्टर्ड, जो सामने वाला पर्सन है रिसिपियंट अनरजिस्टर्ड है, और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 50,000 से कम है, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है 50,000 से कम है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो अनरजिस्टर्ड रिसिपियंट चाहे तो बोल सकता है कि नहीं तुझे अभी भी टैक्स इनवॉइस दो, क्यों 50,000 से कम ठहरा सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज सेक्शन नंबर 16 वी हैव डन, एंड इट इज ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन हु कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। लेकिन फिर भी 50,000 से कम है तो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन चूज करेगा उसको टैक्स इनवॉइस चाहिए या नहीं चाहिए, अगर वो चाहता है तो मांग सकता है, अदरवाइज उसको टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के कभी ये रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी, ही इज वॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी, और ये हमने किया सेक्शन नंबर 18 में। देर आर सर्टन केसेस वेन यू आर एक्चुअली अनएलिजिबल, पहले अनएलिजिबल थे फिर बाद में एलिजिबल होते हो, क्योंकि 22-24 के अकॉर्डिंग या तो रजिस्टर हो जाते हो, याद है ये भी सेक्शन नंबर 18 आईटीसी में वी हैव डन, या फिर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कभी ले लो तो फिर चाहिए ना टैक्स इनवॉइस, इसी के बेसिस पे तो तुम क्या करोगे। सेक्शन 18 बोलता है सर्टेन केसेस में तुम्हें आईटीसी देंगे, सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि इनवॉइस होगा तभी तुम्हें आईटीसी मिलेगा, तो फिर ये चॉइस रखेगा ना, यार मेरे को तो टैक्स इनवॉइस दे दे भले 50,000 से कम है तो क्या हुआ, दिस इज द लिंकेज। देन इसके बाद आते हैं मैम व्हाट इफ इट इज मोर देन 50,000, तब चॉइस नहीं है, 50,000 के ऊपर चॉइस नहीं है, सीधे आप उसका नेम एड्रेस लिखो, रिसिपियंट का एड्रेस ऑफ डिलीवरी लिखो, और ना उसके साथ स्टेट एंड इट्स कोड, मतलब ये सारी चीजें जिससे समझ में आ जाए, इतना तो उसके इनवॉइस में होना ही चाहिए, इनवॉइस में इतना, क्योंकि देखो उसका जीएसटीआईएन नंबर नहीं होगा, उसका जीएसटीआईएन नंबर तो हो नहीं सकता, वो अनरजिस्टर्ड है, तो कम से कम उसका नाम एड्रेस, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, स्टेट कोड, ये सारी चीजें तो उसके इनवॉइस में कम से कम होनी ही चाहिए। देन इसके बाद बोलते हैं अगर कोई भी टैक्सेबल सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करते हो, या फिर ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो व्हाटएवर इज द वैल्यू, हमको इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है,
इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय ईसीओ और ओआईडीएआर, और जो भी वैल्यू हो, आपको टैक्स इनवॉइस ही इशू करना होगा रजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें उसका नेम एड्रेस होगा विद द पिन कोड स्टेट कोड एंड एड्रेस शेल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिसिपिएंट। क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, इन जनरल अगर 50,000 अबाव है तो नेम एड्रेस डिलीवरी की प्लेस स्टेट एंड स्टेट कोड एटलीस्ट दिस शुड बी रिटर्न इन द इनवॉइस। बट अगर यही चीज ईसीओ ने प्रोवाइड की या ओआईडीआर, यू शुड नो। अब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे फिर जाऊं, ईसीओ एंड ओआईडीआर सेक्शन नंबर 24, इनको तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप ईसीओ या ओआईडीआर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, टैक्सेबल सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू देम। अब मैं भी तो एक ओआईडीआर से सर्विस ले रही हूँ, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। कैसे मैम, आप कैसे सर्विस ले रहे हो? मैंने इंस्टाग्राम क्या किया है, इंस्टॉल किया है। इंस्टाग्राम पे क्या मैनुअल कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मुझे बस इंस्टॉल का खट बटन करना, पूरा पूरा फॉर्मेट आ जाता है सारा की सारा क्या है उसका। मैं इंस्टाग्राम यूज कर सकती हूँ, लिंक्डइन यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज फेसबुक, वट एवर, कितने भी स्नैपचैट, ये वो जो जो चीजें हैं वो सब यूज कर सकते हैं। ओ आई डी आर सर्विस तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। अब मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, वो बोलते हैं अगर आप एक अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो ये सर्विसेज, चाहे आप रजिस्टर्ड को दे रहे हो, ये दोनों लोगों को हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट टैक्स इनवॉइस ही इश्यू करना होगा, और उसमें कम से कम ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। अब काम की चीजें मैंने यहां तक कितनी की, सबसे पहला जो मेरे काम का था सेक्शन नंबर 31, कब कब क्या क्या चीजें इश्यू होनी चाहिए। देन उसमें था कि अगर सीज मेरी सर्विस सीज हो जाती है बिफोर दी कंप्लीशन तब क्या करना है। देन काम की चीज मैंने क्या की, काम की चीज वो 50,000 एंड अबाउट देन 50,000 टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, वाली चीज मेरी काम की। ये स्टिकी नोट क्यों है, जो जो तुम्हें काम का लग रहा है बस इतना इतने शॉर्ट में लिख के रखना इसके अंदर, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम स्पेसिफिकली फॉर सीए फाइनल दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओनली फॉर सीए फाइनल ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इनमें जो भी आपकी क्या है लिमिट्स है, एमसीक्यूज जैसा कुछ कुछ लग रहा है, बस इतने में लिख के रखो कि तुमको पता हो। छोटा सा यहाँ पे क्या कर लो, चार्ट बना लो, जिससे यू शुड बी नोइंग कि अच्छा 31 में ये चीजें थी, इतना इतना इतना, दैट मीन्स एग्जाम टाइम पे सिर्फ इसको पढ़ना बस, ठीक है। और हर जगह मैंने यहाँ पे इसमें बहुत सारी जगह पे आई हैव गिवन यू दिस स्टिकी नोट की स्पेस। चलो देन इसके बाद आते हैं कुछ नोटिफिकेशन है। अब ये नोटिफिकेशन एचएसएन कोड के ऊपर, हमने बोला कि टैक्स इनवॉइस शुड हैव द एचएसएन कोड, ये तो हमने शुरू में किया कि भाई कौन से गुड्स हैं, कैसे रेट पता चलेगा, एचएसएन कोड होना चाहिए। तो एचएसएन कोड तो होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे एक और लिमिट आ गई, वो बोलते हैं देखो अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर, अब दिस इज द नॉर्मल टर्नओवर यू कैलकुलेट इन योर रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर वाला एग्रीगेट टर्नओवर है। बोलता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नॉट करंट ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, तो देखो चाहे तुम बिजनेस टू सॉरी आई हैव डन रॉन्ग, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, यहाँ पे अगर 5 करोड़ से कम है या फिर इक्वल टू 5 करोड़ है, तो अगर तुम B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 4 डिजिट HSN मैंडेटरी है। वाई, मेरा टर्नओवर अगर इक्वल टू और लेस देन 5 करोड़ है तो एटलीस्ट 4 डिजिट का HSN कोड B2B में क्यों कंपलसरी है, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस में ITC आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर में ITC नहीं आता। क्यों नहीं आता, पर्सनल पर्पस के लिए कोई चीज लेते हो दैट इज अदर देन बिजनेस पर्पस, तो यू विल नॉट गेट क्रेडिट। ये कहाँ लिखा था मैम, सेक्शन नंबर 17 ऑफ ITC दैट वी हैव डन, ये चीज वहां लिखी है। आर यू गेटिंग द लिंकेजेस, तो बिजनेस टू कंज्यूमर है तो तुम्हारी इच्छा, हम तुमको फोर्स नहीं करते, बट इफ इट इज B2B तुम्हारी कोई इच्छा नहीं चलेगी, तुम्हें कंपलसरी 4 डिजिट का HSN लिखना होगा, दिस इज फॉर MCQ। बट वॉट इफ माई एग्रीगेट टर्न ओवर इज मोर देन 5 करोड़, फिर कोई इच्छा नहीं, कंपलसरी 6 डिजिट का HSN कोड लिखो, वेदर इट इज B2B और वेदर इट इज B2C। स्पेसिफिकली यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है, रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्रीवियस ईयर में, इज इक्वल टू 5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, हैज बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ HSN कोड,
in a manner specified in above in tax invoice issued under the said rule in respect of supply to unregistered person. सीधी बात यही बोल रहा है ना कि तुमको छूट दी जाती है, तुमको क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, ऑप्शनल कर दिया तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं, मतलब वे टू सी क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, तुम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर क्या कर रहे हो, ये सर्विसेज दे रहा, गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर यार लिखना है, जैसे लिखो नहीं लिखना मत लिखो, मतलब एग्जेम्पशन दे दी, बट दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 5 करोड़ का टर्नओवर, देन तो 6 का एचएसएन होना ही चाहिए. और दिस एंटायर प्रोविजन दैट वी हैव डिस्कस राइट नाउ, दिस एंटायर प्रोविजन दैट वी हैव डिस्कस नाउ इज एप्लीकेबल टू हूम, दिस इज एप्लीकेबल टू बिल ऑफ सप्लाई ऑल्सो. अब जो जो इंपॉर्टेंट लगा इतने में लिख के रखना, एग्जाम टाइम पे इतना ही पढ़ना, बट दिस इज फॉर सीए फाइनल. सीए इंटर के स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स आल्सो, और एक बार में तुमको वो राइटिंग स्किल्स अच्छी हो गई ना, तो पक्का है कि आईपीसीसी सीए इंटर यू वुड बी क्लियरिंग वेरी वेल. ठीक है चलो. इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी आता है, मैम हाउ टू इशू दिस इनवॉइस. बोलते देखो अगर तुम गुड्स दे रहे हो तो ट्रिपल कॉपी इशू होगी, सर्विस है तो 2 कॉपी इशू होगी. ट्रिपल कॉपी में क्या करेंगे, ओरिजिनल ऑब्वियसली किसके पास दोगे, रिसिपिएंट को दोगे, डुप्लीकेट एक खुद के पास रखोगे और एक ट्रांसपोर्टर. मैम ट्रांसपोर्टर कैसे आ गया, अरे गुड्स तो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, इट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो 3 कॉपी इशू करना. सर्विस तो किसी और के थ्रू नहीं भिजवा सकते ना डब्बे में पैक करके, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ रिसिपिएंट और सप्लायर होगा, तो यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेट फॉर्म होगा. लेकिन मैम कई बार ऐसा होता है कि गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं. यस, अब मैंने तुम्हें ये चीज आईटीसी में भी सिखाई है कि गुड्स जब एक्सपोर्ट होते हैं विद द पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकते हैं, एंड गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड. तो इन दैट केस अगर आपके गुड्स चाहे क्या हुए हो विदाउट पेमेंट, या फिर आपके जीएसटी पे करने के बाद क्या हुए हो ये गुड्स एक्सपोर्ट हुए, तो बोलते हैं एक्सपोर्ट है सबसे पहली चीज. तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट इनवॉइस इशू तो करना है, और टैक्स इनवॉइस एक्सपोर्ट इनवॉइस में कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको इनवॉइस इशू करना है बिकॉज इट इज एक्सपोर्ट. यहाँ बोलते हैं अगर आपका रिसिपिएंट एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वैल्यू 50,000 एंड मोर है, इफ द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन विद द वैल्यू ऑफ 50,000 और मोर, देन बस इतना है कि स्टेट कोड की जगह वहां पे कंट्री कोड आएगा, डेस्टिनेशन मतलब कंट्री कहाँ पे तुम्हारी चीजें जा रही है, पर लेस देन 50,000 में फिर कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा. तो यहाँ पे बोलते हैं 50 या 50 के अबाव है तो स्टेट कोड वगैरह तो आ नहीं सकता बिकॉज इट इज एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन देना पड़ेगा एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर, बट इट इज 50,000 से अबाव. 50 से कम का है तो डोंट राइट इवन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, वो चल जाएगा हमको, बट यहाँ पे ये याद रखना 50 और 50 के अबाव पे यू हैव टू कंपल्सरी मेंशन कंट्री और डेस्टिनेशन. ठीक है देन अब आ जाते हैं हम, मैंने बोला देखो ये तो पूरी इनवॉइस की बात हो गई कि 50,000 अनरजिस्टर्ड है, 50,000 वाला कुछ किया. अब ऐसे ही इन्होंने ई इनवॉइस करके भी एक प्रोविजन दिया है, दे हैव ऑल्सो गिवन प्रोविजन दैट इज ई इनवॉइजिंग के प्रोविजन. अब ये ई इनवॉइजिंग के प्रोविजन क्या होते हैं, बट बिफोर डूइंग दिस ई इनवॉइजिंग के प्रोविजन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इन ई इनवॉइस के प्रोविजन करने से पहले मैं कुछ और पैरामीटर्स हैं जो तुमको कंप्लीट करवाना चाहती हूँ. अब वो क्या है, सबसे पहले स्पेशल केस में आते हैं हम, दैट इज रिवाइज इनवॉइस, क्योंकि हम वही कर रहे थे ना अभी, इनवॉइस चल रहा है और इनवॉइस एक बड़ा पार्ट है, पहले हम कर लेते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस. ये मैं ऑलरेडी आईटीसी में आपको बता चुकी हूँ. क्या होता है कि आइदर ड्यू टू सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24, अब ये क्या है रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 एंड सेक्शन नंबर 24. रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 कहता है इफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज, तुम्हारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई, नाउ यू आर लाइबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, तब तुम हो जाते हो लाइबल टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर. या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट ट्रिगर हुआ जिससे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, अगेन यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर. द डे यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, जब तुम लाइबल होते हो उसके विद इन 30 डेज के अंदर यू मस्ट टेक योर रजिस्ट्रेशन, बिकॉज अगर आप लाइबल होने से 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हो तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा,
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है आपका लाइबल की डेट, बट अगर 30 डेज के बाद लेते हो तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है, जब आपको एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया, वही आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है। ये तो आप जानते हो। बोलते हैं देखो आप लाइबल हुए, अब चाहे आप विद इन 30 डेज आप रजिस्टर हो या आफ्टर 30 डेज आप रजिस्टर हो, लेकिन देयर इज अ टाइम गैप ना। यहाँ पे मैम देखो ना, टाइम गैप आ ही जाएगा, रजिस्ट्रेशन इशू होगा तब की डेट, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या तो इफेक्टिव डेट होगा लाइबल की डेट, या फिर इफेक्टिव डेट होगा व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज बीन ग्रांटेड, वॉट एवर इट इज। बट मैम टाइम लिमिट तो आ रहा है ना बीच में, बिकॉज मैम आपने हमें शुरू से बताया है जैसे ही हम लाइबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वी बिकम टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन जब भी सप्लाई करता है तो ही इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। अब जीएसटी उसको पे भी करना है, और जो जो वो परचेस करेगा उसके ऊपर उसको आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब जब ये क्या कर रहा है, जीएसटी चार्ज करने के लायक हो गया, सप्लाई कर रहा है, सप्लाई करते वक्त जीएसटी चार्ज भी कर सकता है, तो जीएसटी चार्ज करते वक्त मैम इसको टैक्स इनवॉइस भी तो इशू करना पड़ेगा। अभी जो आपने सिखाया रजिस्टर लाइबल टैक्सेबल पर्सन, सुनो मेरी बात, नाउ द पर्सन इज अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन जो भी सप्लाई करेगा उस पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, जीएसटी चार्ज करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। बट टैक्स इनवॉइस इशू कैसे करेगा मैम, क्योंकि जीएसटीएन नंबर आने में 30 डेज या 30 डेज से ज्यादा लग सकते हैं एज द केस में भी, क्योंकि आप ही ने बताया टैक्स इनवॉइस में जीएसटीएन नंबर आना चाहिए एज अ प्रूफ कि तुम हो वो जो जीएसटी चार्ज कर सकते हो। अब इसके पास तो खुद का जीएसटीएन नंबर ही नहीं है। टाइम समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और जब एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट होता है उसके बीच में एक टाइम लिमिट आता है। अब अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई कर रहे हो जिसको आईटीसी क्लेम करना है, वो बोलेगा ना भाई मेरे को टैक्स इनवॉइस दे, तो तुम क्या बोलोगे, अभी मैं टैक्स इनवॉइस इसीलिए इशू नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास जीएसटी है नंबर नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जैसे ही तुमको क्या हो जाता है, सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है, बिकॉज देर इज द टाइम लैग बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो जैसे ही तुमको सर्टिफिकेट ग्रांट होता है तो इस ये जो बीच का पीरियड है इसमें आप क्या कर सकते हो, 30 डेज का दे गिव यू टाइम कि जैसे ही सर्टिफिकेट ग्रांट होता है उससे 30 डेज के अंदर, दैट मीन्स 1 मंथ के अंदर यू हैव टाइम, 30 डेज 1 मंथ का टाइम है तुम्हारे पास, तुम इनवॉइस को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। क्यों रिवाइज कर सकते हो, ताकि रिसिपियंट क्या कर पाए, आईटीसी अवेल कर पाए। तो इट इज व्हाट, इट इज 1 मंथ और 30 डेज जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका रिवाइज कर सकते हो इनवॉइस। तो हियर यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, मैं जब आपको अभी नोट्स दूंगी यहाँ पे वो टाइम पीरियड में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, वो मिसिंग है यहाँ पे। सो विद इन 1 मंथ यू कैन इशू द रिवाइज इनवॉइस। आई ये बात समझ में? अब इनको बात समझ ही आ रही थी, फिर ये थोड़े से परेशान हो गए। अब क्यों परेशान हो गए, ये बोलते हैं क्या मैम, रिवाइज इनवॉइस इशू कर देंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बताओ रिवाइज इनवॉइस में क्या क्या आएगा, और रिवाइज इनवॉइस आप इसलिए इशू करवा रहे हो ना मैम ताकि सामने वाला आईटीसी अवेल कर पाए। हाँ, इसीलिए करवा रहे हो। अब क्या हुआ मैम, सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं, हमने उसको रिवाइज इनवॉइस इशू करके दे दिया सो दैट द पर्सन कैन अवेल आईटीसी। हमने उसको रिवाइज इनवॉइस दे दिया सो दैट द पर्सन कैन अवेल द आईटीसी, बट प्रॉब्लम क्या हुई, सामने वाले ने टैक्स पे ही नहीं किया। सामने वाले ने क्या नहीं किया, सपोज करो वो जो गुड्स वगैरह हैं, वो गुड्स उसके क्या हो गए, या तो कुछ उसने फ्रॉड किया या कॉन्फिस्केशन हो गया या डिटेंशन हो गया उसके गुड्स का, सीज हो गया उसके गुड्स, और उसके रिस्पेक्ट में उसको टैक्स वैक्स पे करना पड़ गया। तो इवन दो वी हैव इशूड अ रिवाइज्ड इनवॉइस, बस उसको फिर भी आईटीसी अवेल नहीं होगा क्योंकि उस पर लग गए हैं ये 3 सेक्शन, एंड दिस 3 सेक्शन वी हैव अगेन डन इन आईटीसी टॉपिक। 17 सबसेक्शन 5 बोलता है द क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अगर आपका फ्रॉड इंटेंशन था, डिटेंशन था, या फिर क्या था, कॉन्फिस्केशन। मैम क्या क्या चीजें होनी चाहिए रिवाइज्ड इनवॉइस में, वही जीएसटी नंबर सप्लायर का होना चाहिए, आपके 16 डिजिट का क्या होना चाहिए, कम से कम इससे ज्यादा नहीं बट 16 डिजिट तक का सीरियल नंबर, कब इशू किया था, सामने वाले का जीएसटी नंबर, उसके बाद आपका इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, क्योंकि आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर रहे हो तो किस चीज के रिस्पेक्ट में ये रिवाइज हुआ है, तो दोनों का रेफरेंसिंग तो करना पड़ेगा, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह देनी पड़ेगी, जस्ट वन टाइम रीडिंग इट वॉज।
हम क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक बार में कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस, मतलब एक 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 करके रिवाइज करेंगे, एक एक इनवॉइस उठाएंगे, एक एक इनवॉइस को रिवाइज करेंगे, ऐसा करने की जगह एक साथ रिवाइज कर सकते हैं क्या? तो बोलते सुनो, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस मे बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाइड मेड टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। एक साथ तुम रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिवाइज करना सिर्फ एक साथ तब जब ये एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो। सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो चलो कोई बात नहीं, तुम क्या करो कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस भी इशू कर दो, बिकॉज अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ITC। बट उसमें भी बोला है, लेकिन सुनो, अब ये अनरजिस्टर्ड को या तो तुम इंट्रास्टेट सप्लाई करोगे या फिर इंटरस्टेट सप्लाई करोगे। Either you will do interstate supply or you would be doing intrastate supply. बोलते देखो, अगर ये क्या है interstate supply है, तो interstate supply में एक बार value check करो। If the value does not exceed 2,50,000, अगर ये value 2,50,000 exceed नहीं होती है, then तो consolidated revised invoice may be issued separately. सेपरेटली क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस सेपरेटली इशू कर सकते हो ऑल द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट लोकेटेड इन अ स्टेट। एक स्टेट में जितने भी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है उनका सिर्फ स्टेट वाइज रिसिपिएंट का कंसोलिडेशन कर सकते हो। मैम क्या लिखना चाह रहे हो आप? मैं लिखना चाह रही हूँ, देखो, व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेटेड इनवॉइस, अब कंसोलिडेटेड इनवॉइस में क्या होगा, या तो आप क्या करोगे रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे, तो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं कर सकते। मैम अगर अनरजिस्टर्ड को पर्सन को दे रहे हैं तो ये देखो क्या आप इंट्रास्टेट कर रहे हो? यस मैम इट इज इंट्रास्टेट, तो यस कंसोलिडेटेड इनवॉइस आप कर सकते हो, इसमें वैल्यू भी चेक नहीं करनी। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो चेक करो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है। If it is less than or equal to 2.5 lakh or if the value of supply exceed 2.5 lakh. If less than equal to है, ठीक है, if it is what less than equal to, तो consolidation एक साथ पूरे state wise का क्या सारी के सारे एक साथ consolidate कर देना। But अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो state wise क्या करना पड़ेगा, state wise consolidated revised tax invoice you have to issue। आइए बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ। देन इसके बाद और बोलते हैं, और भी चीज बोली, अब क्या बोला, अगेन कंसोलिडेटेड, ये रिवाइज नहीं है, अब लिखा सिर्फ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस भी कंसोलिडेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवाइज्ड, अब सिर्फ टैक्स इनवॉइस, ओनली टैक्स इनवॉइस की बात हो रही। बोलते देखो मैम, दिन भर में कितने सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन आते हैं हमारे पास, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो हमसे परचेस करके जाते, वी ऑल्सो नो दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम ITC। तो ये जो इतने सारे लोग हैं जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस लेके ये जो क्या करके जाते हैं, परचेस करके जाते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो खुद भी हमसे टैक्स इनवॉइस रिक्वेस्ट नहीं करते। और पता है कितने का, लेस देन 200 का सामान लेके जा रहे, 200 से कम का सामान लेके जा रहे, तो भी क्या हम क्या करें टैक्स इनवॉइस इशू करें। एक तो सामने वाला अनरजिस्टर्ड, वो खुद भी नहीं बोल रहा कि टैक्स इनवॉइस दो, और साथ ही साथ 200 से कम का उसका क्या है सामान है। तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, एक काम करो उस सेम डे पे जितने भी ऐसे क्या गए हैं तुम्हारे सप्लाई गए हैं, सेम डे पे तुम क्या करो एक साथ जोड़ लो उन सबको और एक ही इनवॉइस बना दो। तो बोलते हैं सेम डे एट द क्लोज ऑफ ईच डे आप क्या करो सबके सबका टोटल करके एक ही इनवॉइस कंसोलिडेटेड इन टैक्स इनवॉइस इशू करो। मतलब उनको जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने अकाउंटिंग में क्या करेंगे एक कंसोलिडेट करके इनवॉइस क्या कर देंगे इशू कर देंगे। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर कंसोलिडेशन ऑफ इनवॉइस। देन ये बहुत इजी है, कुछ काम का नहीं है ज्यादा। मैम बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा, इफ यू आर अ पर्सन हु इज सप्लाइंग एग्जेम्प्ट गुड्स, या फिर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता, और जो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो वो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, नॉर्मल सी चीज है, इसमें कुछ हाई फाई कुछ भी नहीं। मैम व्हाट इज रिसिप्ट वाउचर, जब भी आपको कुछ एडवांस मिलता है किसी से तो आप उसे क्या करेंगे रिसिप्ट वाउचर इशू करेंगे, खत्म हो गई बात। मैम ये इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें,
व्हेनेवर इट इज कि आप नहीं पता कर पा रहे हो कि टैक्स रेट कितना लगना चाहिए, या फिर जो आपका सप्लाई है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, तो इफ यू आर अनेबल टू डिटरमाइन वेदर इट इज इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, व्हाट इज द रेट, क्योंकि अब आपको एडवांस मिल गया, पैसा एडवांस मिल गया। मैंने सिर्फ तुमको बोला ये अभी तुम 1 लाख रुपए का एडवांस रखो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कहाँ क्या कैसे कितना सप्लाई करना है। अब तुमको पता ही नहीं कहाँ सेम स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में कहाँ क्या कितना सप्लाई करना है, यू डोंट नो। बस मैंने तुमको क्या दे दिया, एक एडवांस दे दिया, कीप दिस 1 लाख एज एन एडवांस। यू डोंट नो कि क्या मेरे पास 1500 प्रोडक्ट है, तुमको ये भी नहीं पता उन 1500 में से तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट कहीं पहुंचाना है, कुछ नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि ऐसे में जब आप क्या करोगे, ये रिसिप्ट वगैरह इशू करोगे यहाँ पे, तो आप उस पर टैक्स लगा देना 18% एंड जस्ट एज्यूम इट एज एन इंटर स्टेट सप्लाई, उसको मान लेना कि वो क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है। इसी तरह से एक रिफंड वाउचर भी इशू होता है, जैसे क्या हुआ तुमको रिसीव हुआ एडवांस, तुमने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया, अब वो सप्लाई कैंसिल हो गया, टैक्स इनवॉइस इशू करने से पहले ही क्या हो गया, सप्लाई कैंसिल हो गया, तो अब क्या होगा, सामने वाले को पैसा दोगे और साथ में रिफंड वाउचर भी इशू कर दोगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे लिख के रखना है, वो 18% इंटर स्टेट अभी जो किया ये लिख के रखना, जो जो काम का लगा वो यहाँ पे स्टिकी नोट्स में आ जाना चाहिए। अब ये याद करो मैंने अभी तुम्हें बोला था ना, कुछ कुछ जगहों पे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी इशू होगा। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है, देखो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई कर सकता है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आया बोलता है मुझे क्या करो, एक ये भी दे दो, ठीक है मुझे क्या करो ये भी दे दो, मुझे क्या करो चलो ये भी दे दो। अब ये एग्जेम्प्ट है और ये क्या है टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट है ये क्या है टैक्सेबल। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन ऐसी चीजें लेके जा रहा है, समार टैक्सेबल समार एग्जेम्प्ट, तो अब बेचारा रजिस्टर्ड पर्सन सोच रहा है एक अलग से टैक्स इनवॉइस इशू करो, एक बिल ऑफ सप्लाई। तो बोलते देखो अगर तुम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू सप्लाई टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो हम तुम्हें छूट देते हैं, गवर्नमेंट तुम्हें छूट देती है एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई यू कैन इशू। सिंगल क्या करो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई तुम इशू करो। मैम ये कहाँ पढ़ा था हमने, याद करो कहाँ पढ़ा था, शुरुआत में जब मैं तुम्हें यह बता रही थी ना कि ये देखो दोनों चीजें भी हो सकती है, तो कई बार तुम्हें बोला जाएगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, तो वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, अब मेरा डिलीवरी चालान एंड ई इनवॉइस के प्रोविजंस बच रहे हैं। ठीक है वापस आते हैं, अब हम यहाँ पे कहाँ गए, ठीक है ये हम स्पेशल केसेस पे थे, दिस स्पेशल केसेस वी हैव डन। अब आ जाते हैं हम सिंपली डिलीवरी चालान के ऊपर, फिर डिलीवरी चालान के बाद 30 मिनट्स का मेरा और कुछ रहेगा जिसमें ई इनवॉइस तुम्हारे QR कोड वगैरह, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स, ये एक पूरी रेगुलर क्लास जैसा है और ये रेगुलर क्लास ही है एलिमेंट्री चीजों की दैट आई एम प्रोवाइडिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है तो आपको इसको 1.5 घंटे का टाइम देना है, देखो या तो तुम सर्च करो ऐसे वीडियोस और 40 मिनट में सब करवा दिया। तो एक चीज मैं क्लियर बता रही हूँ, इट इज नॉट माई एडवर्टीजमेंट, कहीं ना कहीं टाइम के साथ चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। हाँ ये उन लोगों के लिए रिविजन वीडियोस 40 मिनट 45 मिनट्स वाले अच्छे रहते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के देखते हैं, जिन्होंने खुद पढ़ रखा है अच्छे से, उन्हें सिर्फ एक्चुअल में सुनना है तब वो अच्छे हैं वीडियोस। बट अगर आप पहली बार के लिए कर रहे हो तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है चलो अब आते हैं मैम डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो अपने गुड्स, तो कम से कम एक नोट तो दे दो कि ये डिलीवर कहाँ क्या हो रहा है कितना डिलीवर हो रहा है। तो बोलता है डिक्लेरेशन दो ना, 3 कॉपी में डिलीवरी चालान इशू करो, एक तो रखो किसके लिए, एक ट्रांसपोर्टर को दे दो, एक खुद कंसाइनी के पास रहेगा और एक कंसाइनर को पहुंचाओ, तो खरीदने वाला मतलब कंसाइनर, हम देने वाले कंसाइनी के पास, तो एक कंसाइनी एक कंसाइनर और एक ट्रांसपोर्टर के पास क्या रहेगा, इसकी कॉपी रहेगी। ईवे बिल डिक्लेरेशन, ईवे बिल में भी ये डिलीवरी चालान का नंबर आपको क्या करना है, मेंशन करना है। टैक्स इनवॉइस शुड बी आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, टैक्स इनवॉइस वैसे भी क्या होता है इशू होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वेयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई टू रिसिपिएंट,
but tax invoice could not be issued at the time of removal for the purpose of supply, then tax invoice shall be issued after delivery of goods. देखो सिंपल सी ये कुछ काम की चीज नहीं है, बट वो बोल रहा है देखो हमने तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई बताया था, हमने तुम्हें ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बताया था ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल, याद है अभी सेक्शन 31 बोलता है देखो अगर तुम डिलीवरी चालान इश्यू करते हो एंड ड्यू टू एनी रीजन आप वहां पे क्या कर पाए रिमूवल के पहले टैक्स इनवॉइस या रिमूवल तक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाए बट यू हैव इशूड अ डिलीवरी चालान, तो आप टैक्स इनवॉइस बाद में भी क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. कई बार गुड्स ना सेमी नॉकडाउन या कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में होते, मतलब देखो मेरे बहुत बड़ी मशीन है जो मैंने परचेस की, वो इतनी बड़ी मशीन तो आ नहीं सकती मेरे पास ऐसे ही, तो वो नॉकडाउन कंडीशन में आती है, मुझे आके करना होगा असेंबली, या तो कंप्लीट नॉकडाउन होगी या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में होगी. तो जब गुड्स क्या होते हैं कंप्लीट या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में होते तो सप्लायर इशू करेगा कंप्लीट इनवॉइस बिफोर द डिस्पैच. डिस्पैच के पहले तो एक पूरा इनवॉइस इशू कर देगा, चाहे वो 15 लाख का हो, 25 लाख का हो, जितने का भी. फिर उसके बाद डिलीवरी चालान जो होगा, जितना सब्सिक्वेंट डिलीवरी टुकड़े टुकड़े में जाती जा रही है, जैसे जैसे डिलीवरी जाती जा रही उसके रिस्पेक्ट में डिलीवरी चालान इशू होगा. तो इनवॉइस का फुल फ्लेज इशू कर दो एंड उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में जो डिलीवरी चालान है, जब जब सब्सिक्वेंटली गुड्स डिलीवर होते जाएंगे तो आप डिलीवरी चालान क्या करते जाना, इशू कर दो. वही चीज यहाँ पे लिख के रखी है. अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है सप्लायर्स परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट. अब मैम इतनी देर से हम पढ़ रहे थे कि टैक्स इनवॉइस इशू करना है, कुछ जगह पे रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना है, यहाँ पे स्पेसिफिकली इनवॉइस के रिस्पेक्ट में कुछ दिया है. बोलते ये कुछ लोग हैं जिसको हम बोलते हैं कि तुम चाहो ना तो टैक्स इनवॉइस के अलावा जो इशू करना चाहो इशू कर लो, हमें प्रॉब्लम नहीं, बस उसमें जीएसटी वगैरह कितना लग रहा है ये लिख के दे देना. ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मैंने इसको लास्ट में ही रखा है इसलिए क्योंकि जब तुम सिनेमा हॉल में जाते हो मूवी देखने के लिए, ठीक है, जब तुम कहाँ पे जाते हो, ये ओला उबर वगैरह पे जाते हो, या फिर तुम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कोई भी लो जहाँ पे जीएसटी लगता है, या फिर बैंक में जाते हो, तो ये लोग हर एक रिसिपिएंट का नाम पूछेंगे, तुम रजिस्टर्ड हो नहीं हो, जीएसटीएन नंबर लिखेंगे. इतना टाइम नहीं है, दे हैव लॉट्स ऑफ कस्टमर्स. तो इन लोगों को स्पेसिफिकली, चाहे वो इंश्योरेंस बैंकिंग वाले हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाले हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो बाय रोड सर्विसेज देती है वो हो, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन हो. रजिस्टर्ड पर्सन जो किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिनेमा हॉल वाली मल्टीप्लेक्स वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इन सब लोगों को बोला है कि तुम टैक्स इनवॉइस के अलावा कुछ भी इशू करोगे वो भी बस उसमें टैक्स वैक्स का पूरा अमाउंट वगैरह बता देना, उतना ही चल जाएगा. यहाँ रजिस्टर्ड ही क्यों लिखा मैम, अनरजिस्टर्ड क्यों नहीं? अनरजिस्टर्ड को तो वैसे भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना होता है. तो ये कुछ लोग हैं जिनको बोला है तुम नहीं भी टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तो चल जाएगा. अब मैं पूरा क्रक्स खत्म करूं. ड्यू डेट इशू की कब होती है, किन लोगों को टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करने के लिए बोला, चाहो इनके ऊपर ऑप्शन है, ये कुछ और भी इशू कर सकते हैं. रिवाइज्ड इनवॉइस कब आता है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब इशू कर सकते हैं. फिर रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हो तब क्या रूल अप्लाई करने, और अनरजिस्टर्ड है तब क्या रूल अप्लाई करने, कहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है रिवाइज्ड इनवॉइस का या टैक्स इनवॉइस का, कहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है. एचएसएन कोड कहाँ 6 डिजिट के कंपलसरी है, कहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट, और कहाँ पे कंपल्शन भी नहीं रखा है. ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर और उसके बाद यू वुड बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू अंडरस्टैंड एंटायर जीएसटी. अब ये क्या है मैम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अब मैं लास्ट चीज है जो मेरे को आपको समझानी है. इसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट आ जाएगा, और हाँ डेबिट क्रेडिट नोट में ये वाली एक चीज है जो मैं आपको बता दूंगी जो सी एंटर को नहीं करनी है, और डेबिट क्रेडिट नोट इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में ही रखूंगी, ठीक है. तो अब ये क्या है मैम, मैम इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर. ये क्या है पेमेंट वाउचर, देखो अगर मैं बात करूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, इफ आई टॉक अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है. अब रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है तो सप्लायर कैसे टैक्स इनवॉइस इशू करे, तो यहाँ पर रिसिपिएंट क्या करता है, एक पेमेंट वाउचर, रिसिपिएंट को खुद को इनवॉइसिंग करनी पड़ती है, मतलब टैक्स इनवॉइसिंग उसको खुद को ही करके देनी पड़ती है. तो बोलते देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9394 दोनों ही होते हैं दैट वी हैव डन लॉन्ग बैक। कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में भी होता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में भी होता है। अगर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का रिसिपिएंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा? देखो मैम, अगर ये रजिस्टर्ड है तो वो इनवॉइस इशू इजीली कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स इनवॉइस वो क्या कर देगा, इशू कर देगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा? तो बोलते देखो, सबसे पहले तुम्हारा सप्लायर क्या है, सप्लायर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो तुम्हारा जो सप्लायर रजिस्टर्ड है वो क्या करता है, जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कॉन्सेप्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या होता है, देखो सेक्शन नंबर 24 पे फिर से आती हूँ। सेक्शन नंबर 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर का, ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करता है अगर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाए तो। देखो सप्लाई करने वाला आपका सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर भी ऐसा सप्लाई कर सकता है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता हो। लेकिन जब मैं सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 की बात करती हूँ तो 9(4) लगता ही तब है जब आपने एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ खरीदा हो, वो सीमेंट वाली चीजें आती हैं तो वहां पे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है, वो सीमेंट से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है। तो यहाँ पे बोलते हैं देखो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर सकता है, लेकिन 9(4) में तो 100% सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में रिसिपिएंट जैसे ही टैक्स पे करके आएगा वो पेमेंट वाउचर इश्यू कर दे। एंड व्हेन इट कम्स टू इनवॉइस, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो रिसिपिएंट एनीवेज ही रजिस्टर्ड होगा क्योंकि उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया। तो 9(4) हो या 9(3) हो, सेक्शन नंबर 24 उसको कंपलसरी रजिस्टर करवा ही देता है। तो ऐसे केस में उसका सप्लायर अगर रजिस्टर्ड हो या फिर उसका सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड हो तो वो क्या करेगा, पेमेंट इनवॉइस इसको इशू कर देगा कि देख भाई मैं पे करके आ गया हूँ। सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड हो तब भी वो क्या कर देगा, रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर देगा। तो देखो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स इनवॉइस इशू कर नहीं सकता, यहाँ पे नॉर्मल इनवॉइस सप्लायर इशू कर सकता था लेकिन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। तो अनरजिस्टर्ड के केस में तो रिसिपिएंट इनवॉइस भी रिसिपिएंट इशू करेगा, पेमेंट वाउचर भी रिसिपिएंट देता है, लेकिन अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस वो इशू कर देगा कि तुमने यहाँ से ये खरीदा, बट पेमेंट वाउचर कौन देगा, पेमेंट वाउचर आपका रिसिपिएंट देगा। आइए बात समझ में। अब एक बार मैं लास्ट में तुमको 9(4) अलग से बता दूंगी कि व्हाट इज 9(4), ऑल्दो मैं पहले बीच में कर चुकी हूँ ये, जब हम लोग ने सप्लाई चैप्टर किया था आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट देयर। तो एक बार, या तो अगर आप मेरा शुरू से नहीं देख रहे वीडियोस, जो लोग सीए इंटर के उनको तो सब वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम स्टार्ट करते हैं विद द ई इनवॉइसिंग प्रॉपरली। सिर्फ और सिर्फ अब हमको समझना बचा ई इनवॉइसिंग, बिकॉज जो बाकी सारी चीजें थी ना, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, वो बिल्कुल लास्ट में ही करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि क्रेडिट डेबिट नोट में कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो सीए इंटर के लिए नहीं है, तो लास्ट में करके आई विल बी टेलिंग यू कि ओ सीए इंटर वालों बच्चों तुम्हें ये सब नहीं करना है, खुश हो जाओ। चलो तो स्टार्टिंग विद द प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइसिंग, पहली स्टेप, किसे ये ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत है, क्यों करना है भाई ई इनवॉइसिंग। तो एक पर्टिकुलर टर्नओवर लिमिट दी है इन्होंने कि अगर आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस होता है तभी 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 आपको ई इनवॉइसिंग करना है, एंड द टर्नओवर लिमिट इज 10 करोड़, पहली चीज। तो 10 करोड़ अगर आपका क्रॉस होता है तो आपको ई इनवॉइसिंग करना है, लेकिन ट्विस्ट, ये 10 करोड़ कब का क्रॉस होना चाहिए, ये मेरा टर्नओवर कब ऐसा होना चाहिए कि इट हैज क्रॉस्ड 10 करोड़, क्या मैम ये प्रीवियस ईयर है? नहीं, जीएसटी जब से एप्लीकेबल हुआ था, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 17-18 ऑनवर्ड्स, तो वहां से लेकर आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि आपका 10 करोड़ से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर गया है? इन सच अ केस यू आर द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डू ई इनवॉइसिंग के कंप्लायंसेस।
बट मैम ऐसा हो सकता है हम वॉलेंट्री कंप्लाइंस कर ले? नहीं, यहाँ पे वॉलेंट्री कंप्लाइंस नहीं होता है। इफ यू आर अ नोटिफाइड पर्सन जिसका 10 करोड़ से अबाव है एनी टाइम 17-18 ऑनवर्ड्स, देन इन सच अ केस ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू यू। ठीक है, ई इनवॉइसिंग मतलब कहीं तो आपको इनवॉइस बना के पोर्टल पे अपलोड करना है, ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है। अब मैम यहाँ पे क्या अलग तरह के कोई इनवॉइस बनेंगे, कोई अलग सॉफ्टवेयर होगा क्या कि जिससे जिसके थ्रू हमको क्या करना है, ई इनवॉइसिंग करनी है? आपके खुद के जो आपका खुद का ईआरपी होगा, जो आपका खुद का सॉफ्टवेयर है, इनवॉइस तो आप उसी पे बनाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ही सॉफ्टवेयर पे इनवॉइस बनाओगे और जेएसएन फॉर्मेट में क्या करना होगा, आपको अपलोड करना होगा ये कहाँ पे, ई इनवॉइस के पोर्टल पे। अब इससे होता क्या है, क्या चीजें हैं, देखो जैसे ही आपने अपने अपने खुद के सॉफ्टवेयर पे इनवॉइस बनाया, इनवॉइस बनाने के लिए आपको देखो फॉर्मेट वही चाहिए जो हम बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे सब अपना अपना यूनिक फॉर्मेट लेने लग गए तो बात तो हो गई खत्म। तो फॉर्मेट हम बनाएंगे जिसको बोलते हैं ई इनवॉइस का स्कीम। ओवरऑल जो इनवॉइस स्कीमा, स्कीमा मतलब हम फॉर्मेट हम देंगे, तो ई इनवॉइस स्कीम के अंतर्गत आपको क्या करना है, जो आप इनवॉइस बनाओगे वो इनवॉइस को आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा कहाँ पे, ई इनवॉइस पोर्टल पे। और आप जब अपलोड करोगे तो आपको मिलेगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपके लिए काम का है, तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो डिजिटली साइंड एंड रिटर्न द ई इनवॉइस टू द सप्लायर। जब आपको ये ई इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा, इस ई इनवॉइस रेफरेंस नंबर पे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होगी और ये सप्लायर को दे दिया जाएगा ई इनवॉइस। ठीक है, मतलब ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर सप्लायर को मिल जाएगा। तो स्पेसिफिकली अपने खुद के सॉफ्टवेयर पे इन लोगों को क्या करना है, ई इनवॉइस के प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं और इनवॉइस बना के इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना है, जिससे इनको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट मिलेगा इन लोगों को, मतलब सप्लायर को। देन मैम व्हाट आर द एडवांटेज, क्यों करवा रहे हो ये ई इनवॉइस? इसके एडवांटेजेस हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं। जैसे ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस इनटू जीएसटी रिटर्न। जब सप्लायर क्या करता है, सप्लाई करता है, तो हमारे सप्लायर को GSTR1 और GSTR3 भी फाइल करना पड़ता है। तो GSTR1 बताता है, स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई का कि इसने कितने कितने आउटवर्ड सप्लाई करके रखे, और GSTR3 भी है इसके आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न, और इस रिटर्न के बेसिस पे ही विल फाइल द टैक्स। रिटर्न रिटर्न के बेसिस पे ही विल गिव द टैक्सेस। तो बोलते हैं कि अगर उसने ई इनवॉइस बनाया, ई इनवॉइस बना के ई इनवॉइस पोर्टल पे इसको अपलोड कर दिया, तो ये जो डिटेल है ऑटोमेटिकली उसके रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली उसका GSTR3 भी भर रहा है, उसको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और ये देखो ई इनवॉइस जब आप भरते हो, आपको कुछ ऐसी डिटेल्स देनी होती है, वो डिटेल्स सेम हमको ई वे बिल में भी देनी होती है। ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट बी में कई ऐसी डिटेल्स जाती हैं और पार्ट ए में जो डिटेल्स जाती है, तो पार्ट ए की डिटेल जो होती है वो मैच करती है हमारी उन डिटेल्स से जो हम ई इनवॉइस में देते हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ई वे बिल भी फाइल हो गया। जेट प्लेन आ रहा है, मुझे 2 मिनट का पॉज करना है, चलो रिस्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं कहा थी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है एक तो जीएसटी रिटर्न में, फिर साथ ही साथ ई वे बिल में जब पार्ट ए भरते हो उसकी डिटेल्स एंड ई इनवॉइस की डिटेल्स आर सेम, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ई वे बिल जो है, दिस इज ई वे, ठीक है, ई वे बिल का ऑटोमेटिकली तुम्हारा पार्ट ए भी तो फिल हो गया। ठीक है, फिर बोलते हैं अंडर इनवॉइसिंग द रिक्वायरमेंट, ये वही चीज को डिटेल में लिखा है, इस इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट में कई जीएसटी के रिटर्न फॉर्म वगैरह सब फाइल हो जाते हैं, फिर आपकी एरर कम होगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, फिर उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेल होती है ना, B2B सप्लाई, पूरे डिपार्टमेंट के पास बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की प्रॉपर ट्रेल आ जाती है। कैसे आ जाती है, देखो जब सप्लायर ई इनवॉइस करता है इसके जीएसटी रिटर्न में तो आता ही है 3B में, साथ ही साथ जो रिसिपियंट है रिसिपियंट के GSTR2B में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। GSTR2B उसके लिए होता है इनवर्ड सप्लाई, उसने कितना कितना लिया है। तो भाई ये क्या हो गया, प्रॉपर ट्रेल हो गई ना, किसने दिया किसको दिया, डिपार्टमेंट के पास ट्रेल है, इससे आप फेक इनवॉइस,
फिक्टिशियस आईटीसी लेना, इन सब चीजों से क्या हो सकते हो, बच सकते हो। तो इट एलिमिनेट्स फेक इनवॉइसिंग, फिक्टिशियस आईटीसी वगैरह, इन सब चीजों से क्या हो सकता है, बच सकते हैं अपन। इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैम, इतना तो समझ में आया कि यहाँ पे क्या करना होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, व्हेन इट कम्स टू ई इनवॉइस, ई इनवॉइसिंग प्रोविजन में एक चीज क्या बोलता है, ये जो डिटेल ऑफ इनवॉइस है, आप पूरी इनवॉइस की डिटेल कहाँ पे अपलोड करोगे, इनवॉइस पोर्टल पे आप अपलोड करोगे, तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहां आप अपलोड कर दोगे। दिस वे टैक्स रजिस्टर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हिज सप्लाई ट्रांजेक्शन ऑन इन दिस पोर्टल। इसी तरह से जैसे वो इनवॉइस अपलोड करता है, मतलब उसका सप्लाई क्या हो जाता है, वहां पे पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। नाउ ऑन अपलोडिंग, जैसे ही आप अपलोड करोगे, ये जो इनवॉइस पोर्टल है, इन रिटर्न्स द इनवॉइस विद अ यूनिक नंबर, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ आपको वो वापस कर देगा। और सिर्फ इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं आएगा, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड भी लगा होता है। तो जब आप अपलोड करते हो, अपलोड होने के साथ आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलता है, और इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं, वहां पे क्यूआर कोड भी आता है। ये क्यूआर कोड में सारी डिटेल्स होती है, किस चीज की कि सप्लाई क्या हुआ है, कितने का हुआ है, कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, सब डिटेल होती है इसके अंदर। तो इसका मतलब कभी ऐसा हुआ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारा इनवॉइस ये वो सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सिर्फ कभी भी चेकिंग होती है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उनको फिर से सारी डिटेल मिल जाएगी। ऑफलाइन भी हो सकता है, उन्हें सिर्फ अपने डिवाइस से उस क्यूआर कोड को करना होता है स्कैन, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं। अब देखो, मैंने 1 2 3 4 इसलिए दिया, जितना हो सका मैंने फ्लो में इसको प्रोविजन को रख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ई इनवॉइसिंग की कुछ स्टेचुटरी प्रोविजंस हैं, जो रूल 48 सबसेक्शन 4 में देके रखे हैं कि ई इनवॉइसिंग कुछ नोटिफाइड क्लास वालों को ही प्रिपेयर करना होता है, और उसका फॉर्म क्या है, उसका फॉर्म होता है जीएसटी इनवॉइस 01 में, ठीक है, कॉमन पोर्टल पे। एंड फिर आईआरएन, वही बार बार इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको ऑप्टेन करना है। अब अभी तक की बात में पता है यहाँ पे मुझे क्या काम की चीज है, जो तुम्हें यहाँ लिख लेनी चाहिए, ई इनवॉइस किन किन लोगों को करना चाहिए, वही मेन चीज है जो यहाँ काम की है, तो वो यहाँ लिख लो एग्जाम टाइम पे, इसी को पढ़ लेना। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन है, कुछ लोगों को एप्लीकेबल होते हैं तो कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं होते। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ई इनवॉइस नहीं करेगा, अरे वो तो सिर्फ आईटीसी क्रेडिट। देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है ना, सीए इंटर वालों को ये चीज पता नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन जो आईटीसी चैप्टर है उसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट है। बस इतना समझो तुम कि एक पर्सन अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका मतलब वो दूसरे लोगों को, मतलब अपनी ब्रांचेस को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो अपने क्या कर सकता है, ब्रांचेस को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसका डिटेल अगर आपको देखना है तो आईटीसी का पार्ट 3 आप देख लेना। अगर आप आईटीसी का पार्ट 3 देख लोगे, आपको पूरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको ई इनवॉइस प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो अभी हम कर रहे थे, इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैम सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे इन इनवॉइस के प्रोविजंस कंप्लाई करेगा, तो यहाँ पे इसको भी अप्लाई नहीं होता। लेकिन 9 सबसेक्शन 3 का अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, नोटिफाइड सर्विस, जो पूरा तुमने एक चैप्टर पढ़ा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, उनको ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा अभी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एग्जेम कर दिया ई इनवॉइस के प्रोविजन के लिए, उसमें है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट, उसमें है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट। अब मैं यहां पे लिख रही हूं, इट्स ओनली यूनिट नॉट डेवलपर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स को क्या बोला है, ई इनवॉइसिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं, बट डेवलपर को तो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पे कवर नहीं है। इसके अलावा बोला है वही बैंक वाले जो हम पढ़ चुके हैं, जीटीए वाले जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय रोड देते हैं, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, और ये वही आपका मल्टीप्लेक्स हो गया, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो चार चीजें तो वही हैं जो हम कहाँ पे पढ़ के आए, इनवॉइस में पढ़ के आए, कि इन लोगों को बोला है कोई भी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नहीं, तुम कैसा भी इनवॉइस दे दो। याद करो ना, इन चारों का नाम मैंने तब बोला था कि गवर्नमेंट कहती है तुम लोग टैक्स इनवॉइस की जगह दूसरा डॉक्यूमेंट भी इशू कर सकते हो, तो जब दूसरा डॉक्यूमेंट इशू करने को बोला तो ई इनवॉइस भी कंपलसरी कैसे कर देंगे इनको, ठीक है।
तो ये तो है ही, साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या SEZ का यूनिट नॉट डेवलपर उन लोगों को भी अलाउड है कि वो ई इनवॉइस ना करे तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को जिनको हमने एग्जेम्पशन दिया है उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जस्ट वन रीडिंग, एक रीडिंग कर लेना ये डिक्लेरेशन की, इसको रटने की जरूरत नहीं है। बट CA इंटर वाले इसको प्रॉपर रीडिंग देना, ताकि कभी तुम्हें क्वेश्चन आए कि क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है तो यू वुड बी इन अ पोजिशन टू राइट दिस वर्ड्स। अब आके बोलते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब ये क्लैरिफाई हुआ कि कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दे के रखी है, लेकिन अब सुनो मेरी बात। मैम बैंक है, बैंक को एग्जेम्पशन दी है, हाँ जी बैंक को एग्जेम्पशन दी है कि वो इनवॉइसिंग के प्रोविजन ना करे। अगर मैम वो बैंकिंग के अलावा कुछ और भी कुछ गुड्स वगैरह ऐसे कुछ देते हो, तो कोई गुड्स सप्लाई करते हो, तो क्या वहां पे भी ई इनवॉइस होगा या वो गुड्स के रिस्पेक्ट में उनको ई इनवॉइस के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे? तो यहाँ लाइन क्या लिखी है कि ये जो एग्जेम्पशन है ये एंटिटी वाइज एग्जेम्पशन है, पूरी एंटिटी को मिला है, ये नेचर ऑफ सप्लाई पे बेस्ड नहीं है। तो बैंक मतलब बैंक कुछ भी काम कर रही है तो ई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। इसका एग्जाम्पल आई हैव टेकन, ये ICAI का ही तुम्हारा एग्जाम्पल है। मैम आप जो बोल रहे थे, अब नॉर्मल चीजें, ई इनवॉइस पोर्टल क्या है ये एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेना, www.einvoice1.gst.in। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक जाएगा। इतनी इनवॉइस पोर्टल अपलोड करने की क्या है आपकी वेबसाइट्स हैं, बट इसे इसलिए अच्छे से पढ़ लो क्योंकि MCQ में अलग अलग तरीके से पूछेगा कि बताओ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन सा है, तो यू वुड बी इन अ पोजिशन टू एटलीस्ट गिव कि MCQ में, अरे अगर ये सारे 1, 2, 3, 4 तक भी आ गए तो ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है, तो यू शुड नो दिस। क्या मैम ई इनवॉइस पे हम कैंसिल कर सकते हैं इनवॉइस तो या फिर अमेंडमेंट कर सकते हैं? देखो आप चाहो तो इनवॉइस जो आपने अपलोड किया है, जब जब भी आपने क्या किया इनवॉइस अपलोड किया, तो हाँ आप कैंसिल कर सकते हो इस इनवॉइस को, लेकिन आप अमेंड नहीं कर सकते। जिसको आप अपलोड कर चुके हो उसको अमेंड नहीं कर सकते। अमेंडमेंट करना है तो आपको आपके रिटर्न्स जो है, रिटर्न जब आप फाइल करोगे, रिटर्न फाइलिंग में आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। मैम ई इनवॉइस स्कीमा क्या है कि देखो सब अपने अपने हिसाब से अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा, इसलिए हमने ई इनवॉइस का फॉर्मेट भी दिया है। और जेसन फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्म में तुमको क्या करना है, उस ई इनवॉइस को अपलोड करना है। अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं, क्या मैम ई इनवॉइस में बल्क अपलोडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ईजी था इसलिए मैंने सबसे पहले ये ले लिया। फिर बोलते हैं ई इनवॉइस सिस्टम इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ई इनवॉइस सिस्टम ई कॉमर्स ऑपरेटर को एप्लीकेबल है, हाँ जी ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद बोलते हैं ई इनवॉइस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट द इनवॉइस ऑफ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन जनरेटेड बाय देम ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। इन शॉर्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, बल्क ई इनवॉइसिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और बोलते हैं ये चीज मैं अब भी आपको बता चुकी हूँ, देखो CBIC कहता है कि अब आपको फिजिकली टैक्स इनवॉइसेस कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ई इनवॉइस अपलोड करते हो, आप इनवॉइस अपलोड करते हो, आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर में QR कोड होता है, तो वो QR कोड को स्कैन करके सारी डिटेल आ जाती है, दैट मीन्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेटली ई इनवॉइस या सेपरेटली टैक्स इनवॉइसेस। खत्म हो गया तुम्हारा ई इनवॉइस का पूरा प्रोविजन। अब ये QR कोड क्या है, उन्होंने वही दिया है, इस QR कोड में डिटेल क्या होगी, CA इंटर के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द डिटेल्स दैट यू विल फाइंड इन योर QR कोड। तो वही डिटेल है, देखो तुम ये वही डिटेल है जो तुम्हारे टैक्स इनवॉइस में होती है, दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर, यस मैम दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर हमने टैक्स इनवॉइस में भी किए हैं। फिर इसके बाद चलो ये दो तो कॉमन हो गए, मैम हमको इनवॉइस की वैल्यू देनी होती है, हमको HSN कोड देना होता है, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर मैम हम इनवॉइस कब जनरेट करते हैं, तो ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो आएगा ही आएगा। अब बस जो अलग है, इनवॉइस नंबर जो सप्लायर ने दिया है, इसके बाद यूनिक रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ जनरेशन ऑफ IRN, ये तीन चीजें आपकी अलग है। इसे CA इंटर अच्छे से लर्न करेगा, एंड आई मस्ट से कि CA फाइनल को एक बार इसे अच्छे से जरूर पढ़ लेना चाहिए। मैम अब ये डायनामिक QR कोड क्या है, एंड हाउ डायनामिक QR कोड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस QR कोड? ये QR कोड अलग है, डायनामिक QR कोड इज एंटायरली डिफरेंट। दैट QR कोड इज फाउंड इन ई इनवॉइस,
बट डायनामिक क्यूआर कोड में क्या होता है, डायनामिक क्यूआर कोड में स्पेसिफिकली ये भी लिखा होता है कि आपको कितना अमाउंट पे करना है, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग क्यूआर कोड, जैसे ही उसे आप स्कैन करोगे उस क्यूआर कोड को तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि आपको 1000 रुपीज पे करना है, तो आपके इनवॉइस में बस लिखा है कि आपने 1000 रुपीज का क्रेडिट सेल्स किया है, तो आपका डायनामिक क्यूआर कोड जैसे ही स्कैन होगा, मतलब इनवॉइस है, इनवॉइस के ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड है, जैसे ही उस डायनामिक क्यूआर कोड को क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, वहां पे आ जाएगा कि आपको अमाउंट कितना पे करना है। तो वही लिखा है, एनी पर्सन जिसने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है, अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर द डेफिनेशन ऑफ 2 सबसेक्शन 94। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेता है आपका एनआरटीपी, तो किसी ने भी, अगर किसी भी पर्सन ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है सेक्शन 294 के अकॉर्डिंग, देयरफॉर एनी इनवॉइस इशूड बाय सच पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी कंसिडर्ड इनवॉइस इशूड फॉर B2C एंड शेल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद डायनामिक क्यू आर कोड। तो जिन लोगों ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है उन्हीं को क्यू आर कोड, ये डायनामिक क्यू आर कोड का कंप्लाइंस करना है, लेकिन इनमें भी फिर से छोड़ दिया कुछ लोगों को, और ये फिर से सेम है कट कॉपी पेस्ट, और बस यहाँ पे एड हो गया OIDAR, इन लोगों को छोड़ दिया। बोले अगर तुम अगर हो तो तुम रहने दो, तुम डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लाइंस मत करो, क्योंकि हो सकता है बाहर का बैंक हो, ठीक है, हो सकता है बाहर का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एसेस रिट्रीवल सर्विस तो वैसे ही बाहर का होता है। कुछ लोगों को इन्होंने बोला यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस डायनामिक क्यूआर कोड। अब मैम इस डायनामिक क्यूआर कोड में क्या होता है, डायनामिक क्यूआर कोड में फिर से GSTN नंबर होगा, UPI ID तो देनी ही पड़ेगी ना, पेमेंट की सारी डिटेल्स आएगी, पे का बैंक, इनवॉइस डेट और टोटल इनवॉइस और GST, ये सारी डिटेल्स जाती है डायनामिक क्यूआर कोड में, वन टाइम रीडिंग, ये वन टाइम रीडिंग है, ठीक है। जैसे ही आप स्कैन करोगे आपको डिजिटल पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि लो भैया आप डायरेक्टली पे कर दो। आप पेट्रोल पंप पे आजकल जाओ, आप जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करोगे आपके पास अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको 250, 300 व्हाटएवर आपको इतना पे करना है, लेकिन यहाँ बोलते हैं नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो एंड दैट सप्लाई इज एन एक्सपोर्ट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन, देखो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सेक्शन नंबर 24 कहता है यू आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, बाहर है, बाहर वाला पर्सन जरूरी थोड़ी ना रजिस्टर्ड हो, तो बाहर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या करता है, सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो इस केस में बोलते हैं कि ये B2B सप्लाई है, सिंस ई इनवॉइस आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर एक्सपोर्ट ट्रीटिंग देम B2B, डायनामिक क्यूआर कोड यहाँ पे एप्लीकेबल है। देखो सिंपल सी बात है, B2B के लिए डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल, अगर आप B2C कर रहे हो मतलब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब एक्सपोर्ट करने वाला आपके लिए अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडिया में एक्सपोर्ट करता है सेक्शन नंबर 24 बोलता है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ये या तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को एक्सपोर्ट कर सकता है या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक्सपोर्ट कर सकता है, तो बोल रहे अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को एक्सपोर्ट किया तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, वहां तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, बट अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे हम बोल रहे हैं कि आपको ये डायनामिक क्यूआर कोड वगैरह कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या नहीं करना, आपको डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है, डन। अब ये कुछ क्लैरिफिकेशन है, इजी है, सिंपल है, इन क्लैरिफिकेशन को हमको करना है, आफ्टर दैट वी विल बी क्लोजिंग अ चैप्टर अगले 10 मिनट इन क्लैरिफिकेशन में। ये बोलते हैं कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू डायनामिक क्यूआर कोड, अब डायनामिक क्यूआर कोड के रिस्पेक्ट में हमको कुछ कंप्लायंसेस दिए, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ स्पेस दिख रही होगी, वो स्पेस छोड़ने का रीजन ये, यहाँ पे आप क्रक्स लिखोगे खुद की लैंग्वेज में, और इसे आप कहाँ से पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे ICAI का आपका जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में इसी चीज का पूरा डिटेल दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है,
आपके लिए सिर्फ ये इतना होमवर्क रहेगा कि आप क्या करोगे, इसको एक बार रीड करोगे और रीड करके अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि मेन पॉइंट तो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड है, बट एक बार याद कर लेना बिना देखे, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में सिर्फ फिल, वो बोलते हैं ना फिल अप द ब्लैंक, आपको वही करना है। तो देखो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ वो पूछे बताओ कि डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लाइंस करना है क्या। अब जिसमें सबसे पहले क्या आता है, जिसमें सबसे पहले आता है, इफ सप्लायर प्रोवाइड्स और डिस्प्ले डायनामिक क्यूआर कोड, अगर हमारा सप्लायर डायनामिक क्यूआर कोड दे रहा है बट खुद कस्टमर बोलता है कि मुझे क्यूआर कोड नहीं यूज करना है, मैं पेमेंट करूंगा, तुम डायनामिक क्यूआर कोड दे रहे हो अपने इनवॉइस में, कस्टमर बोल रहा है इसके थ्रू पेमेंट नहीं करना, मैं तुम्हारे यूपीआई पे पेमेंट कर देता हूँ, पेटीएम कर देता हूँ, जीपे कर देता हूँ, या फिर मैं कैश पे कर देता हूँ, और तुम जिस भी तरह से इसका पेमेंट हुआ है, अगर वो सिर्फ क्रॉस रेफरेंस करके बता देते हो कि ऐसे पेमेंट आ चुका है, तो मान लिया जाएगा भाई डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लायंस हो गया क्योंकि कस्टमर ने ऑप्ट आउट किया है, चलेगा। दूसरा बोलता है अगर सप्लायर, ठीक है, कस्टमर को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड अवेलेबल करवा रहा है, इफ सप्लायर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे यूपीआई वगैरह अदर सिमिलर मोड मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल करा रहा है, लेकिन उसने डायनामिक क्यूआर कोड डिस्प्ले नहीं किया है, बट हाँ सारी डिटेल्स जो एक डायनामिक क्यूआर कोड में आती है ना, वो सारी की सारी डिटेल, डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन आर डिस्प्ले, क्यूआर कोड नहीं दिया बट जो डिटेल्स होनी चाहिए वो सारी डिटेल दे दी, और उसने डायनामिक क्यूआर कोड देने की जगह ये सारी यूपीआई वगैरह की डिटेल दे दी। क्या अब बोलोगे कि डायनामिक क्यूआर कोड कंप्लाइंस हुआ? एक बार उसने डिस्प्ले किया, कस्टमर ऑप्ट आउट कर गया, उसने क्यूआर कोड नहीं दिया, यहाँ पे ये वाले केस में क्यूआर कोड नहीं दिया बट उसने सारी डिटेल्स दी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड अवेलेबल करवाए पेमेंट के लिए, तो बोलते हैं यहाँ पे भी अगर ये क्रॉस रेफरेंस करके बता देता है कहाँ कैसे क्या पेमेंट आया है, सारी डिटेल्स वो दे चुका है, तो कंप्लाइंस हो चुका है मान लिया जाएगा। मैम अगर ये इनवॉइस प्रीपेड इनवॉइस हुआ तो क्या बोलना चाह रहे हो? प्रीपेड मतलब पहले से पेमेंट आ चुका है, सिर्फ इनवॉइस बना के देना है, तो फिर तो क्यूआर कोड का कोई मतलब ही नहीं रहता, यहाँ पे भी हम मान लेंगे कंप्लाइंस हो चुका है। फिर मैम अगर सपोज करो हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर ये कंप्लाइंस कर दिया है डायनामिक क्यूआर कोड का, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लाइंस कर रहा है, तो इन सच ए केस वी विल अज्यूम कि ठीक है हमने भी क्या कर दिया, कंप्लाइंस कर दिया, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर क्या कर रहा है, कंप्लाइंस कर रहा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ठीक है हमने भी क्या कर दिया, उसका कंप्लाइंस कर दिया है। यहां तक बात समझ में? फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखो एक चीज होती है कि जब आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो अगर आप क्या दे रहे हो, इंडिया के बाहर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो, आप क्या करते हो, अपनी सर्विस कहाँ सप्लाई कर रहे हो, जो रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है मैम, सप्लाई इंडिया में हो रहा है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, और पेमेंट अगर आपको किस में मिल रहा है, फॉरेक्स में, अगर पेमेंट आपको कैसे मिल रहा है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लायंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उधर भी क्या है आपको डायनामिक क्यूआर कोड कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन, अगर यही ओवर द काउंटर सेल्स है, ओवर द काउंटर सेल्स मतलब जैसे हम अपन मॉल में जाते हैं, वहीं की वहीं क्या होता है, मॉल में जाएंगे, मॉल में जाते से ही हमको जो गुड्स पसंद आते हैं वो हम खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं, अब तुमने उन्होंने इनवॉइस दिया और इनवॉइस पे डायनामिक क्यूआर कोड था, तुमने उसको यूज नहीं किया, तुमने देखा जो बिलिंग काउंटर के वहां एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, तुमने उसको स्कैन करके पेमेंट कर दिया, तो ठीक है चलेगा, यहाँ पे भी मानते हैं कि डायनामिक क्यूआर कोड का क्या हो चुका है, कंप्लायंस हो चुका है। और अगर मैम ये पार्ट पेमेंट पहले मिल गया हो, तो जैसे यहाँ बोला प्रीपेड था, कहाँ पे था हमारा ये पहला कि प्रीपेड था, हम बोल रहे मैम 1 लाख का इनवॉइस था जिसमें से 40,000 प्रीपे किया है, तो बोलते हैं 60,000 रिमेनिंग के लिए आप डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लाइंस कर सकते हो, मतलब पेमेंट मिलने से पहले अगर इनवॉइस इशू हुआ है तो डायनामिक क्यूआर कोड कंप्लाइंस करना है, फिर ऑप्शन कस्टमर के ऊपर है उसको पेमेंट कैसे करना है, वो कैश में करे, यूपीआई से करे, या डायनामिक क्यूआर कोड को यूज करे, सिंपल सी मैं एकदम लाइन बोलू, तुम्हारा काम है कंप्लाइंस करना, अब आगे कस्टमर सोचेगा, उसको अगर किसी और तरीके से पेमेंट करना है वो कर सकता है, तुमने कंप्लाइंस कर लिया ये मान लिया जाए,
लेकिन अगर तुम क्यूआर कोड प्रोवाइड नहीं करते हो, डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हो जो क्यूआर कोड में होती, तो भी चलेगा। हम इतना भी कंपल्शन नहीं करते तुम पे, तुम क्यूआर कोड नहीं दे रहे बट सारी डिटेल्स दे रहे हो, क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हो और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट करने के लिए उनको दे रहे हो, देन ऑल्सो ये डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लाइंस माना जाएगा। लेकिन फॉरेक्स के केस में, जब फॉरेक्स का क्या मिला है, पेमेंट मिला है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तब इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक बार इन सब चीजों की व्हाट यू हैव टू डू द रीडिंग एंड देन तुम्हारा डायनामिक क्यूआर कोड भी डन। अब अपन आ जाते हैं डायरेक्टली किसके ऊपर, मेरा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट वाला पॉइंट रह गया था। नाउ व्हाट इज क्रेडिट नोट एंड व्हाट इज डेबिट नोट। मैम क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है, कई बार जो वैल्यू आप इनवॉइस में लिखते हैं वो ज्यादा होती है और एक्चुअल सप्लाई कम होता है। कई बार जो आपने गुड्स भेजे होंगे उस पर जो आपने रेट ऑफ टैक्स लगाया होगा वो ज्यादा लगा लिया होगा, एक्चुअल में रेट ऑफ टैक्स कम था, मतलब रिसिपिएंट से आपने ज्यादा चार्ज कर लिया। कई बार जो गुड्स गए वो रिटर्न हो गए, कई बार डिफेक्टिव गुड्स थे तो हमको पसंद नहीं आए, उसने रिटर्न कर दिए, मतलब सामने वाले को मुझे पैसा वापस करना है, सामने वाले को मुझे क्या करना है, पैसा वापस करना है। तो इन दैट प्लेस, या फिर उसको मैंने आगे चल के कोई डिस्काउंट दिया है, ठीक है, आगे चल के क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, तो बोलते ऐसे केस में अगर ये डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में किया था, जिससे आपका टैक्स का कंप्लाइंसेस क्या होता है, टैक्स की वैल्यू अफेक्ट होती है, तो इन सब चीजों के लिए काम करो ना, सीधे क्रेडिट नोट इश्यू कर दो। मैम क्यों क्रेडिट नोट, क्योंकि तुम्हारी सप्लायर लाइबिलिटी हो गई है। और याद करो क्लास 11th में पढ़ा है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो उसी से याद रख लो, जब तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि तुम्हें पेमेंट रिटर्न करना है, इन सच ए केस यू विल इश्यू क्रेडिट नोट। और इसी का उल्टा, अगर तुम्हें पैसा लेना है, तुम्हें क्या है, पैसा लेना है, तो जब तुम्हें पैसा लेना है इन दैट केस अ डेबिट नोट विल बी इश्यूड, कि वो मेरी असेट है, व्हेन योर असेट इंक्रीजेस यू विल इश्यू डेबिट नोट। जैसे एक्चुअल में सप्लाई ज्यादा हुआ था, इनवॉइस में हमने कम लिख दिया, भाई पैसा चाहिए हमको और पैसा चाहिए, तो इन सच ए केस यू विल बी इश्यूइंग व्हाट, डेबिट नोट। बस एक चीज याद रखना, मैंने कहा डिस्काउंट जब आप देते हो, व्हेन यू प्रोवाइड डिस्काउंट, तो आप क्रेडिट नोट इश्यू करते हो, लेकिन मैंने ये कहा ये डिस्काउंट को वो सारी कंडीशन कंप्लाई करनी होगी जो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ी थी, कि दिस डिस्काउंट शुड बी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में होना चाहिए, ITC का रिवर्सल होना चाहिए। बट सेकेंडरी डिस्काउंट जो होता है, जो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम डिस्कस ही नहीं हुआ था ये डिस्काउंट, उससे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई अफेक्ट हुई नहीं, क्या उससे आपका ITC अफेक्ट हुआ नहीं, तो उसके लिए आप क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करते, उसके लिए आप एक कमर्शियल पेपर का कमर्शियल नोट इश्यू करते हैं। तो क्रेडिट नोट कैन नॉट बी इश्यूड फॉर सेकेंडरी डिस्काउंट। आप कमर्शियली अपना एक नोट दे सकते हो कि भाई तेरे को इतना इतना पैसा देना है, वो क्रेडिट नोट GST वाला नहीं हो सकता, बिकॉज उससे आपका टैक्स का कुछ भी कंप्लायंस चेंज नहीं हो रहा है। देन इसके बाद आता है एक क्लैरिफिकेशन डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में, कि डेबिट नोट में सप्लीमेंट्री इनवॉइसेस भी क्या होते हैं, इश्यू होते हैं। वो बोलता है देखो सेक्शन 34 प्रोवाइड करता है कि एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस इश्यू किए जा सकते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस फाउंड टू बी लेस देन एक्चुअल। हमने टैक्स कम चार्ज कर लिया, हमने वैल्यू कम लिख ली, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट नोट वगैरह इशू करते हैं। तो बोलते हैं ये जो डेबिट नोट है, इस डेबिट नोट के साथ अगर आप कोई सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी इशू करते हो, मतलब मैंने बोला था वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले 10 लाख का, फिर बाद में पता चला अरे नहीं इसको तो 12 लाख रुपीज का हमने क्या किया है, सप्लाई इशू किया, एक्चुअल में सप्लाई 12 लाख का हुआ था, तो ये जो एडिशनल 2 लाख है मैंने क्या किया, इस एडिशनल 2 लाख के लिए मैंने सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू कर दिया। तो आप चाहे सप्लीमेंट्री इनवॉइस बोलो या डेबिट नोट इशू करो, बात एक ही है। तो डेबिट नोट इंक्लूड्स एनी सप्लीमेंट्री इनवॉइस आल्सो। अब मैम ये जो क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है ये कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो क्रेडिट नोट जो है तो ये या फिर डेबिट नोट कब तक इशू हो जाना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन 30th ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30th November of the end of the financial year or date of filing the annual return. तो आपका financial year end होगा, financial year end होने से 30th November or date of filing annual return. ये same चीज ITC में कर चुके हो, ये same time limit ITC की है,
जहां पे आपको मैक्स टू मैक्स किसी इनवॉइस का आईटीसी कब तक मिलता है, द सेम टाइम लिमिट अप्लाई टू इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर ऑल्सो। अब ये वाला पार्ट सीए इंटर को देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर इच्छा हो तो सुन लो, 5 मिनट का मुश्किल से डिस्कशन है। ये बोलते हैं कि जब भी हम मेडिसिन क्या करते हैं, मैं सपोज करूं मेडिसिन की मेरी क्या है स्टोर है, मेरा क्या स्टोर है, मेडिसिन स्टोर है। अब मेरे पास मेडिसिन आई, तो मेडिसिन स्टोर से मेरे पास क्या आई, बहुत सारी मेडिसिन आई। अब मेडिसिन तो आ गई, कई मेडिसिन की टाइम लिमिट लंबी होती है, कुछ मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, दैट मीन्स उसको हम क्या नहीं कर पाते, सेल आउट नहीं कर पाते टाइम में। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन तो यू कैन नॉट सेल इन एनी केस, तो एक्सपायर्ड मेडिसिन मुझे वापस से मैन्युफैक्चरर या जिससे मैंने ली है उसे मुझे वापस करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, या तो मैं उसको वो एक्सपायर्ड मेडिसिन वापस कर दूं, ऐसा मानूं कि मैंने उसे एक फ्रेश सप्लाई किया है, या फिर मैं उसको क्या इशू कर सकती हूँ, मुझे उससे लेना है पैसा कि दे भाई ये मेडिसिन एक्सपायर हो गई, मैं नहीं बेच पाया, तो उससे मुझे पैसा लेना है, तो आई कैन इशू अ क्रेडिट नोट। तो बोलते देखो कई बार क्या होता है, जब आप रिटर्न करते हो टाइम एक्सपायर्ड गुड्स, मैंने मेडिसिन का नाम लिया है, यहाँ पे गुड्स भी हैं, तो कोई भी टाइम एक्सपायर्ड गुड्स अगर आप देते हो और आप मान रहे हो कि इसे एज ए फ्रेश सप्लाई मान के चलो, आपने क्या किया, जो टाइम एक्सपायर्ड गुड्स है वो दे दिए किसको, आपके वापस मैन्युफैक्चरर को। अब वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली इसको डिस्पोज करेगा, वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डिस्पोज करेगा ना। अब वो मेडिसिन को संभाल के थोड़ा ना रखेगा, वो एक्सपायर्ड गुड्स को डिस्पोज करेगा। तो याद करो 17 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा था, 17 सबसेक्शन 5 में क्लियर लिखा था स्टोलन, थेफ्ट, डिस्पोज्ड। तो जो डिस्पोज कर दिया है उसका आईटीसी नहीं मिलता है, यू वोंट क्लेम दैट आईटीसी, ठीक है। अब यहां पे बोलते हैं इनकेस द पर्सन रिटर्निंग द गुड्स इज, मैम जो पर्सन गुड्स रिटर्न कर रहा है, जो पर्सन क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है, अगर रिटर्न करने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है बट वो कंपोजिशन सप्लायर नहीं है, और अगर रिटर्न करने वाला कंपोजिशन सप्लायर है तो क्या होगा, और अगर मैम ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या होगा। देखो रिटर्न करने वाले भी अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने मेडिसिन की दुकान खोल के रखी है, अब मैं उन टाइम एक्सपायर्ड गुड्स को दे रही हूँ। तो यहाँ भी बोलते हैं आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो उन गुड्स को By issuing a commercial document without charging any tax on same, आप उसे दे सकते हो और इस पर आपको कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट दो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन वैसे भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। मैम कंपोजिशन सप्लायर, तुम्हें बताया था कंपोजिशन सप्लायर बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई लगा के क्या कर सकता है, टैक्स लगाना है लेकिन बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि कंपोजिशन सप्लाई जो है, कंपोजिशन सप्लायर तुमको मैंने समझाया था और एक चीज बताई थी कि कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट चार्ज टैक्सेस, वो किसी से टैक्स रिकवर नहीं कर सकता, उसको खुद को ही टैक्स भरना पड़ेगा, और जो टैक्स बेचारा ये खुद भरता है उसको इसका कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। बट मैम व्हाट अबाउट द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, जब वो गुड्स को एज अ फ्रेश सप्लायर रिटर्न कर रहा है तो वो इनवॉइस इशू करेगा, इनवॉइस इशू करके वो टैक्स क्या करेगा, चार्ज करेगा। अब इनवॉइस इशू किया, इनवॉइस इशू करके उसको क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख देगा, उस पर जीएसटी लिख देगा, क्योंकि वो एज अ फ्रेश सप्लाई क्या कर रहा है, इन टाइम एक्सपायर्ड गुड्स को वापस अपने मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। तो बोलते हैं कि ऐसे केस में देखो, जब सामने वाले पर्सन ने, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस रजिस्टर्ड पर्सन ने जब ये गुड्स खरीदे होंगे इस मैन्युफैक्चरर से, तब उसने जीएसटी पे किया होगा, उसका आईटीसी उसने ले लिया, हो गया खत्म, पे किया, परचेस किया, तब की तब खत्म हो गया। 5 साल बाद सपोज करो ये टाइम एक्सपायर्ड गुड्स हो गए, अब इसे एज अ फ्रेश सप्लाई वो क्या कर रहा है, वापस कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, जिसमें वो जीएसटी लगा रहा है, तो क्या इस जीएसटी के रिस्पेक्ट में, इस जीएसटी पेबल के रिस्पेक्ट में उसको आईटीसी मिल सकता है? यस, इस जीएसटी पेबल के रिस्पेक्ट में उसको आईटीसी मिल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये मैन्युफैक्चरर को अभी टाइम एक्सपायर गुड्स मिल गए, अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैम मैन्युफैक्चरर को जब ये टाइम एक्सपायर गुड मिले वो इसको डिस्पोज करेगा, बट मैम डिस्पोज करने पे सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होके बोलेगा दिस क्रेडिट इज ब्लॉक्ड फॉर मैन्युफैक्चरर। तो स्टोरी कैसी है, स्टोरी सिंपल है, सबसे पहले मेरे पास एक रिसिपियंट होगा,
या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा या कंपोजिशन वाला होगा या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। इसने क्या लिए, इस मैन्युफैक्चरर से गुड्स लिए। अब जब ये रिटर्न करेगा, ये फ्रेश सप्लाई की तरह रिटर्न कर रहा है तो टैक्स चार्ज करेगा। ये टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, और ये टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकता तो आईटीसी की बात ही नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये मैन्युफैक्चरर को वापस रिटर्न कर रहा है तो इसका जीएसटी पेबल आएगा। इस जीएसटी पेबल के लिए तो इसको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर इन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करता है तो यहाँ पे डिस्पोज के लिए 17 सबसेक्शन 5 आता है और बोलता है कि यहाँ पे इसको क्या नहीं मिल सकता, आईटीसी नहीं मिल सकता। या फिर आप क्या करो भाई, सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्या कर लो, क्रेडिट नोट इशू कर दो विद इन द टाइम लिमिट एज डिस्क्राइब। तुम सीधे सिंपल क्या करो, फ्रेश सप्लाई की तरह रिटर्न नहीं करना, मत करो। तुम सिंपल जो टाइम लिमिट तुम्हें अभी बताई थी ना, 30th of November फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम लिमिट में क्रेडिट नोट क्या करो, इशू कर दो। और क्रेडिट नोट इशू करके सिंपली तुम क्या कर लो, अपना काम खत्म कर लो ताकि तुमको पैसा मिल जाएगा। फिर अब मैम, जो ये क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट इशू हो गया, क्रेडिट नोट इशू करके तुमने उसको रिटर्न कर दिया। द अबाउट टैक्स लाइबिलिटी मे बी एडजस्टेड बाय सप्लायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स हैव आइदर नॉट अवेल्ड आईटीसी और इफ अवेल्ड हैज रिवर्स्ड आईटीसी सो अवेल्ड अगेंस्ट द गुड बीइंग रिटर्न। अब यहाँ इसे सप्लाई तो माना ही नहीं जा रहा है, सुनो मेरी बात। जब तुम टाइम एक्सपायर्ड गुड्स देते हो, ऐसे गुड्स देते हो जो टाइम एक्सपायर्ड है और उसे क्रेडिट नोट करके वापस कर रहे हो, इसका मतलब ये फ्रेश सप्लाई कंसिडर नहीं है। अब जब ये फ्रेश सप्लाई कंसिडर नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, देखो। जब इस मैन्युफैक्चरर ने इस पर्सन को ये गुड्स दिए थे तब ये वाले पर्सन ने क्या किया होगा, जीएसटी पे किया होगा। अब जीएसटी पे करके इसने आईटीसी अवेल कर लिया होगा, उसे थोड़ा पता था कि 5 साल में ही वुड नॉट बी एबल टू सेल दिस गुड्स। अब 5 ईयर्स खत्म हो गए, यहाँ पे 5 ईयर्स खत्म हुए, इसे पता चला ही इज अनेबल टू सेल द गुड्स एंड नाउ दिस द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स। अब वो टाइम एक्सपायर्ड गुड्स के लिए क्रेडिट नोट इशू कर दिया इसको कि मुझे तेरे को पैसे देने, दिस इज नॉट अ फ्रेश सप्लाई। तो बोलते हैं ऐसे केस में ये जो आईटीसी इसने अवेल किया था, इस आईटीसी को उसको रिवर्स करना होगा अगर वो अवेल कर चुका है, और अगर अवेल नहीं किया तो वो अवेल इसे कर नहीं सकता है। अंडरस्टूड। अब दूसरी चीज, ये तो तब की बात है जब क्रेडिट नोट विद इन द टाइम यू हैव इशूड, बट अगर तुमने टाइम एक्सपायर होने के बाद क्रेडिट नोट का भी टाइम खत्म हो गया, क्रेडिट नोट का टाइम खत्म हो गया, क्रेडिट नोट का टाइम खत्म होने के बाद तुम क्या कर रहे हो, क्रेडिट नोट इशू करो, क्योंकि क्रेडिट नोट का भी एक टाइम लिमिट है, तब तक ही तुम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ टाइम एक्सपायर गुड्स आर रिटर्न बियॉन्ड द टाइम पीरियड गिवन इन द पॉइंट एंड द क्रेडिट नोट इज इशूड कंसिक्वेंटली, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिक्लेयर दैट ऑन कॉमन पोर्टल। अब भले ही तुम क्रेडिट नोट दे रहे हो, वो एक कमर्शियल पेपर की तरह तुम्हारे लिए, कि तुम डिसाइड कर लो भैया। देखो मैं क्या कर रही हूँ समझो, मैंने जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स लिए थे मुझे लगा था सेल हो जाएंगे, सेल नहीं हुए मैंने, लेकिन क्रेडिट नोट का जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड में क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, बाद में क्रेडिट नोट इशू किया। बोलते बाद में क्रेडिट नोट इशू करना स्टॉप कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे, यू मे इशू द क्रेडिट नोट बट वो क्रेडिट नोट को ई पोर्टल पे मत दिखाओ, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम निकल गया, वो सिंपली तुम्हारे लिए एक कमर्शियल पेपर है जो तुम जाना तुम बता रहे हो कि भाई मेरे को देखो इतना पैसा वापस करना है, मतलब तू मुझे इतना क्या करते दे, पैसा वापस दे दे। क्रेडिट नोट मतलब मुझे मैन्युफैक्चरर से पैसा वापस लेना है। अब क्या मैम, मैन्युफैक्चरर को गुड्स वापस मिल गए, ये उसको फिर से करेगा डिस्पोज, तो इसके लिए तो ट्रीटमेंट वही है ना, मैन्युफैक्चरर तो अभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्पोज करने पे क्या है, 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक करता है चीजें। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जब टाइम एक्सपायर गुड्स उसके पास वापस आते हैं उसके लिए कोई चेंज नहीं है, बट जो देने वाला है वो कैसे दे रहा है, फ्रेश सप्लाई की तरह दे रहा है या क्रेडिट नोट की तरह दे रहा है। फ्रेश सप्लाई करके दे रहा है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सोचोगे। अगर वो क्रेडिट नोट की तरह दे रहा है तो क्रेडिट नोट टाइम के साथ इशू हुआ या टाइम के बाद इशू हुआ वो देखोगे। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एंटायर टैक्स इनवॉइस वाला पार्ट।
इसमें 32 दिया है कि अनऑथराइज टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो और जो भी टैक्स कलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट में तुमको लिखना पड़ेगा. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का टॉपिक एंड इट इज कंप्लीट. एक्सप्लेनेटरी रिविजन तो नहीं बोल सकते, एक्सप्लेनेटरी पूरा दिया है तुमको और 1 hour 45 minutes है. इसे 1.5 की स्पीड से अगर आप एग्जाम टाइम पे भी देखते हो ना तो पूरा एक्सप्लेनेशन तुमको समझ में आ जाएगा. तो मोर देन सफिशिएंट, बट एग्जाम टाइम पे प्लीज किसी वीडियो को रेफर मत करना, अपना दिमाग चलाना और रिटेंशन लेके आना. ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट, आपको मिलने वाला रिटर्न चैप्टर. तो गेट रेडी फॉर द सीए इंटर एंड सीए फाइनल का लॉजिकल रिटर्न चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. ओके बाय बाय.